टेन के तीन में मीनिंग आई यूज टू तभी तो रॉन्ग बेटा रॉन्ग किया हुआ है सबसे नीचे देखो फिर हाँ दैट डे लगा सकते थे विशाल देख लो नीचे ही तो है सुनील क्या कर रहे हो आप लिख तो दिया मैंने नीचे वही सेम चीज तो लिखा है नीचे चलो अब आप ये क्या हो रहा है इस पेज में पंगा है थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ है आंसर में सेटिंग गड़बड़ है हो गया देखो ध्यान से बेटा इंट्रोडक्टरी प्लस पार्ट जोड़ोगे तब भी आगे कर सकते हो हाँ अब देखो मॉडल्स में इस पेज में यहां पर तो कोई करेक्शन नहीं दिख रहा है लेकिन वहां देखो ठीक है हम्म स्पोकिन वाले में उसमें कोई करेक्शन नहीं है उसमें कुछ ऐसे थोड़ा चेंजेस करेंगे छोड़ दो ठीक है इसमें थोड़ा चेंज है एक दो यहां एक ब्लैंक लगवाओ यहाँ पे ये करना है इस पर बाद में कर लेना अभी रुक जाओ चलो वेन आई वॉज देयर आई वुड नो ऑल माई नेबर्स ओके अब कहोगे मैम ठीक तो है आपने कहा कि पास्ट रूटीन हम तब तक नहीं कह सकते वुड बताता है जब तक कि इंट्रोडक्टरी पार्ट पास्ट में ना हो तो आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट तो पास्ट में कर दिया वेन आई वॉज देयर अब तो सही है आपके अकॉर्डिंग पहले शुरुआत के भाग में पास्ट हो जाए तो हम पास्ट रूटीन के रूप में वुड यूज कर सकते हैं बिल्कुल तो सही लग रहा है तब भी नहीं कर सकते हो क्यों क्योंकि नो जो है ना स्टेटिव वर्व है इज स्टेटिव वर्व? जो स्टेट बताता है चाहे वो मानसिक स्टेट हो या आपके फीलिंग्स का स्टेट हो या आपका सोशल स्टेटस हो स्टेट बताने वाला वर्व याद करो जिसमें हम आई नहीं लगाते थे याद है टेंस में उनके साथ हम उनके साथ हम वुड का प्रयोग नहीं कर सकते यानी कि वुड अगर पास्ट रूटीन में लगाना है तो इतने पचड़े हैं इतने पचड़े हैं कि हम क्या करते हैं ना हम वुड का इस्तेमाल करते ही नहीं हम यूज टू से काम चला लेते हैं अगर यूज टू नहीं है तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म से काम चला लेते हैं ठीक है और एकदम लास्ट मेरा क्या है ऑप्शन जब कुछ नहीं मिले तो वुड कब वुड के बाद कोई भी स्टेटिव वर्ब नहीं आना चाहिए और दूसरा अगर आप पास्ट रूटीन बताना चाहते हो वुड से तो इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए जो आपको पास्ट का एहसास कराए तभी कर सकते हो ठीक है इसीलिए सही क्या होगा सही होना चाहिए आ, ऐसे लिख दो वेन आई वॉज देर वेन आई वॉज देर आई यूज टू आई यूज टू नो ऑल माई नेबर्स ठीक है इसी तरह से ये भी तो स्टेटिव वर्ब है बी का फॉर्म है तो क्या होगा इट यूज टू बी A quiet एक शांत सड़क हुआ करता था आजकल कर यहां इतनी गाड़ियां चलती है पहले एक शांत सड़क हुआ करता था इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा मैं आंसर चेंज करूंगी हिंदी में ट्वेल्व और थर्टीन लिखा है जो गलत है इलेवन और ट्वेल्व होगा इलेवन और ट्वेल्व में स्टेटिव वर्व का प्रयोग हो रहा है वुड विल नॉट टेक स्टेटिव वर्व इन केस ऑफ पास रूटीन वुड का प्रयोग स्टेटिव वर्ब के साथ पास रूटीन व्यक्त करने के लिए वाले वाक्य में नहीं होता है ठीक है तो इसके बाद कह सकते हो यूज यूज टू इन प्लेस ऑफ वुड यानी वुड के स्थान पर यूज टू का प्रयोग करें हो गया लास्ट आओ थर्टीन नंबर याद रखना हम लोग कभी भी एक सेकंड रुकना बेटा हम कभी भी आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी हम कभी भी इफ वाले भाग में वुड नहीं लगाते आपने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा होगा फ्यूचर कंडीशनल में इफ वाले भाग में विल शाल नहीं आता अब याद रखना इफ वाले भाग में विल शाल वुड तीनों नहीं आता ठीक है इसीलिए यहां पर वुड हटा देंगे लेकिन बात याद रखो पास्ट से शुरू किए हो तो आगे पास्ट ही चलेगा ना तो राइट का क्या हो जाएगा रोट हो जाएगा ठीक है चैन नंबर फिर से वही सेम चीज है यार जो मैंने बताया कि इंट्रोडक्टरी पास्ट में लगेगा तभी वुड आपको पास्ट रूटीन बता सकता है हाँ बी का सभी फॉर्म स्टेट बताता है बेटा पार्शियल मॉडल्स से एक बार देखो तुम तो, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक काम करो तो नीचे जाओ तो क्या हुआ है क्यों हल्ला मचारी देखो तो उसको दो तीन रोटी दे दो यहां से ले लो दो तीन रोटी जाके खिला भी दो पानी पिला दो तो, क्यों हल्ला मचारी देखो देगा हो गया सी पार्शियल मॉडल्स ध्यान से सुनना पार्शियल का मतलब क्या होता है पार्शियल का मतलब होता है आंशिक यानी कि कंप्लीट नहीं कंप्लीट मॉडल्स अभी तक जो पढ़े हो ना वो सारे कंप्लीट है कंप्लीट का मतलब होता है पूरा पूरा पार्शियल इज अधूरा यानी अगर मैं कहूं कि पार्शियल कंप्लीट हुआ ये काम तो कहोगे अच्छा पूरा नहीं हुआ है तो इसीलिए पार्शियल का मतलब होता है आंशिक पूरा नहीं मतलब भाई ऐसे मॉडल्स जो पूरे पूरे मॉडल्स नहीं है कौन है यूज टू क्यों भाई यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करता है और यूज टू मॉडल्स का भी काम करता है ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया वो मैं समझाऊंगी क्यों और नीड और डेर तो भाई नीड और डेर मॉडल का भी काम करता है और मेन वर्क का भी काम करता है ठीक है कैसे पहले वो यूज टू में आते हैं पहले आप ये जरा करो तो और इसमें काफी अच्छे सेंटेंसेस है देखोगे विकास अभी रुको बेटा मेंस के टेस्ट सीरीज में तो मैं सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ाया मैंने इसमें काफी कराया हुआ है हो गया देखो ध्यान से सबसे पहले ध्यान से सुनना कि मैंने आपको मॉडल का स्ट्रक्चर क्या सिखाया था मैंने कहा था आई शुड स्टडी मुझे पढ़ना चाहिए अब मैं यूज टू पढ़ा रही हूं तो मैं कहूंगी भाई इसी मॉडल के जगह पे यूज टू लगा दो आई यूज टू स्टडी है ना आई शुड स्टडी उसी की जगह पे क्या लगा दिए आई यूज टू स्टडी इसका मतलब कि आप सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज टू और सीधा वर्ब का बेस फॉर्म देखो तो है ना सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म देख रहे हो याद रखना बेटा सब्जेक्ट प्लस यूज टू होगा तब वर्ब का बेस फॉर्म होगा अब भाई सब्जेक्ट प्लस यूज के बाद टू लगा के भी हम वर्ब का फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि ये बीच में ये गॉट क्या है ये बीच में गॉट क्या आ गया ओके इसका मतलब है कि ये तो नहीं है ये चीज नहीं है याद रखना सब्जेक्ट प्लस यूज के बीच में कहीं कोई वर्ब दिख गया जो यहां पे गॉट है हो 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 सकता है, was हो सकता था, is हो सकता है, था, था। अगर कुछ ऐसा आ जाए तो इसका मतलब है ये यूज टू वो फ्रेज है इडियम्स एंड फ्रेजेस में की तरह एक फ्रेजल वर्ब होता है यूज का मतलब हो जाता है habitual होना, और ये जो टू है ना वो फिक्स प्रेपोजिशन है और याद रखना हर प्रपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए कहोगे मेरे पास नाउन नहीं है वर्ब है क्या करो ओके वर्ब है तो एक काम करो उसको जेरेंड बना दो तो फिर नाउन ही हो जाएगा है ना तो क्या किया वर्ब दिख रहा है यूज टू के पहले इसका मतलब कर किया करता था नहीं इसका मतलब आदि हो गया हैबिचुअल हो गया और उसके बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लगाएंगे फिर हम क्या लगाएंगे नाउन फॉर्म यानी कि वी वन आई एन जी यानी यूज टू ड्राइविंग देखो यूज टू ड्राइविंग उसी तरह से यहां पर भी ही के बाद यूज टू है लेकिन बीच में एक वर्ब है फिर क्या करें तो कहेंगे he is used to drink he is used to ही इज यूज टू ड्रिंक नहीं ड्रिंकिंग ही इज यूज टू ड्रिंकिंग आप कहोगे खाली यूज टू अब सुनो मेरी बात ध्यान से हमारी आदत है हम पढ़ चुके हैं कि टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है

Habitual ऑफ एडिक्टेड टू गिवेन टू देखो इन सब का मतलब होता है आदि होना सारा सिनोनिम एक साथ लिख के रख दिया है मैंने आदि होने का और यहां सब जगह पे टू क्या है फिक्स प्रपोजिशन है चलो एक जगह ऑपी लगा दिया हर प्रपोजिशन के बाद अगर वर्व आता है तो आई एनजी फॉर्म में आता है देखो तो ठीक है इसका मतलब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है यूज टू के पहले वर्व देख लो तो यूज टू के बाद वर्व आई एनजी फॉर्म में लगाओ क्या यूज टू के पहले वर्व देख लो तो यूज टू के बाद वर्व आई एन जी फॉर्म में लगाना ठीक है यूज टू के पहले वर्व देख लो ही इज ही गॉट ही विल गेट तो यूज टू के बाद आई एनजी लगाना यहां यूज टू क्या बताएगा यहां यूज टू हैव एक्शन बताता है एक बार बंद करना आवाज यहाँ तो यही प्रॉब्लम है ना बच्चा उच्चा के ले जाता है बस गाय रोती घूमती रहती है खाना पानी तो दिया ना बस ठीक है क्या कर सकते हो पेपर अभी दूसरा पेपर में हूँ मैं अभी तीसरा तीस शुरू किया है और वो भी नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें क्या था ना सेटिंग मेरे रिकॉर्डिंग करो पैसेज एक पेज में है और क्वेश्चन दूसरे पेज में कैसे करूँ मैं क्लोज टेस्ट एक पेज में है उसका ऑप्शन दूसरे पेज में उसको कराना पड़ेगा फ आई वर्ड एंड इंडियन वुमन बेटा वुमेन यू वुड हैव जस्ट इंसल्टेड मी नहीं यू वुड जस्ट इंसल्ट मी होगा इफ आई वर्ड एंड इंडियन वूमेन यू वुड जस्ट इंसल्ट मी स्ट्रक्चर तो सही रखोगे ना यार कंडीशनल सेंटेंस का सुनो मैंने आपको जो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन था इसका एक्सप्लेनेशन एक सेकेंड रुकना इसका एक एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूं मैं इसके आंसर्स कहां हैं इसका आंसर मुझे लिखवाना पड़ेगा इसका आंसर्स है हालांकि करा दिया मैंने क्लास में लेकिन इसके आंसर्स तो दिए ही नहीं यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा चलो मैं आंसर दे दूंगी आपको लिख के जो भी एक्सप्लेन किया है ना वो लिख के दे दूंगी नेक्स्ट आप आई यूज टू मीट हिम ठीक तो है क्यों सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू यानी कि ये मॉडल हो गया और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है मैं उससे मिला करता था पास्ट रूटीन में कब जब मैं मुंबई में था देखो पास्ट रूटीन के लिए हम लोग मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं है ना क्रोस आर यूज अभी बिरवल रुक जा बेटा ही यूज टू स्टडी ध्यान से देखो अब कहेंगे अच्छा पास्ट रूटीन है मैम तो यूज टू लगाया है चलो आप प्रेजेंट रूटीन के लिए यूजेस कर दो क्योंकि ही है ही के साथ तो हम वर्ब का एस ई एस फॉर्म लगाते हैं तो मैं यूजेस कर दूं बेटा प्रेजेंट रूटीन के लिए हमारे पास स्पेशल टेंस है एंड दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पास रूटीन वाले को प्रेजेंट रूटीन थोड़ी बना देंगे अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करो यानी कि ही स्टडीज यानी पास रूटीन के लिए यूज टू आता है प्रेजेंट रूटीन के लिए यूज टू नहीं आएगा क्यों प्रेजेंट रूटीन के लिए मेरे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा एक टेंस से प्रॉपर आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ अगर ही है तो वी वन एस ई एस लगाओ ठीक है क्लियर अब आओ ठीक है फाइन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट रूटीन के लिए लगाएंगे और पास रूटीन के लिए हम यूज्ड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म को प्रेफर करेंगे फाइन चलो अब नरेशन का क्वेश्चन दे रही हूं नरेशन में क्या है नरेशन में कह रहा है

ये पास्ट रूटीन है ना जो रोज हुआ करता था रेगुलर इंटरवल पे हुआ करता था पास्ट रूटीन है बेटा पास्ट रूटीन का तो कोई पास्ट नहीं हो सकता ना वन टाइम एक्शन होता तो उसका पास्ट रूटीन का, का कोई पास्ट नहीं हो सकता जब पास्ट रूटीन का कोई पास्ट नहीं हो सकता तो हम इन स्पीच में क्या पढ़े थे कैन का कुड कर दो मे का माइड कर दो और वी वन का वी टू कर दो वी टू का हेड प्लस वी कर दो यानी कि मैंने जितना भी टेंस पढ़ाया था मैंने नरेशन में सबका भूतकाल बनवाती चली गई थी आपसे सबका भूतकाल बनवाती चली गई थी आपसे इसका मतलब इसका मतलब यह है कि मैं अगर इसका भूतकाल बोलूं तो इसका कोई भूतकाल है ही नहीं ये खुद ही पास्ट का रूटीन है है ना अब पास्ट का रूटीन का पास्ट क्या होगा कुछ नहीं हो सकता इसीलिए नरेशन में याद करो मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट रूटीन पास्ट रूटीन यूनिवर्सल ट्रूथ ईडियम फ्रेजेस एक्शन है ना स्वीपिंग जनरलाइजेशन कोई चेंज नहीं होता याद करो वही है देखो है ना है देखो ठीक है कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नाउन कब से शुरू होगा मैं थोड़ा सा आपको एक <coughs> बता दूं छोटी सी बात बेटा आप लोगों का अभी फिलहाल वन से लेकर टेन तक वो क्या हो चुका है है ना आपका पहला सेक्शन देखो मैं बैच को तीन बार जो रिवाइंड करती हूं एक नाउन एक नाउन में होता है एक टेंस में होता है एक वर्ब में होता है बस तीन ही बार होता है तो अब आप लोगों का वन से टेन तक हो चुका है मेरा जो टारगेट है वो ये है कि पंद्रह तक यानी कि चौदह तक मेरे पास तीन और क्लास होने वाले हैं आपके साथ मैं मॉडल्स खत्म करूंगी और एक मेरा शीट है सुपर फ्लोअ का अगर वो हो पाएगा तो वो खत्म करूंगी और उसके बाद 16th से ये बैच रिन्यू होगा सोलह तारीख से और 16th से ये बैच जब रिन्यू होगा तो इसमें दो क्लासेस तो डेमो के चलेंगे दो क्लासेस डेमो के चलेंगे इसीलिए शायद सिक्सटींथ एक काम करना सिक्सटींथ और एटींथ कनेक्ट मत करना क्योंकि नाउन चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है उससे डेमो शुरू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ठीक है तो सिक्सटीन के बाद से जो क्लास आपका चलेगा वो मैं वहां से नाउन शुरू करूंगी मेरा टारगेट है पंद्रह तारीख के पहले पहले आपको मॉडल्स और सुपरफ्लू खत्म करके रख देना ठीक है अब आओ नेक्स्ट देखो ध्यान से और ये आपको प्रॉब्लम देता है ये जरा देखो नहीं बेटा अजीत फ्यूचर तो यूज टू का इस्तेमाल फ्यूचर में होता ही नहीं है यूज टू का इस्तेमाल फ्यूचर में कैसे कर लोगे सुनो ध्यान से जब आप इंग्लिश के नॉलेज नहीं रखते हो ना तो होता क्या ध्यान से सुनो? तब आप नियम कानून में ज़्यादा फंसते हो। और बोलो कि कि अच्छा मैम ने तो अभी सिखाया था यूज टू के बाद यही गलत है बेटा अच्छा, ये, तो ये, ये दोनों सही है ये दोनों सही है क्यों यहां पे यूज का मतलब इस्तेमाल करने का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करने का थर्ड फॉर्म यूज का मतलब क्या होता है कोई काम अगर मैं कहूँ इसका कोई यूज नहीं है यानी ये किसी काम की नहीं है है ना मैं इसे यूज करती हूं. इसका मतलब इसका करती हूं यूज का मतलब क्या होता है यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना क्या यहां पे मैं कहूंगी कि आई यूज दिस टू राइट ऑन स्मार्ट बोर्ड तो कहोगे दिस पेन इज यूज टू राइट इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो यूज है ना वो टू के साथ सिर्फ इसलिए आ गया है क्योंकि तो उसके बाद ये वर्ब लग रहा है उसके बाद ये इंफिनेटिव लग रहा है इसलिए आया साथ है। और ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये पैसिव वॉइस है कि ऑक्सन का यानी कि बैलों का इस्तेमाल किया जाता है खेतों के प्लाउ करने के लिए जुताई करने के लिए ठीक है इसका मतलब है कि प्लेसिबो का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन लाइक इफेक्ट देने के लिए कई बार ऐसा होता है आपको एक दवा दे दिया जाता है खा लो सर दर्द ठीक हो जाएगा और सर दर्द ठीक हो जाता है जबकि उसके अंदर कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारा कई बीमारी ऐसी होती है जो हमारे मानसिक रोग है हम हमारा दिमाग चलता है उस तरह से ठीक है और वो बीमारी एक्चुअली होती नहीं है इसीलिए क्या होता है कई बार लाइक like इफेक्ट होता है कि मेडिसिन लाइक इफेक्ट और उस दवा को हम लोग प्लेसिबो कहते हैं यानी इन दोनों में देखो तो पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में इज़ प्लस वर्व का थर्ड फॉर्म यानी यूज का थर्ड फॉर्म है और ये जानबूझकर मैंने आगे कुछ और भी लिख दिया वर्व ताकि टू लगाना पड़े ताकि आप कंफ्यूज करो अच्छा ये यूज टू है इसके पहले वर्व है तो मैम ने कहा था आई अरे भैया पहले यहां पे आपको उसका मीनिंग तो निकलना चाहिए था वहां पर मीनिंग निकल रहा था हेबिचुअल आई एम यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट मैं हैबिचुअल हूं राइट तरफ ड्राइव करने का यहां हैबिचुअल थोड़ी है यहां पे है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है फील्ड को प्लाउ करने के लिए प्लेसिबो का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है वन और टू को बहुत ध्यान से देखो एक्सप्लेनेशन देखो और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कोई बात नहीं है तो अब क्यों मैं लगाऊं कि भाई यहां पे बाय द फार्मर्स लगाओ बेटा खेत तो जोतते फार्मर्स ही है अब प्लस सब्जेक्ट नहीं लगा है तो क्या हुआ बाय द डॉक्टर्स नहीं लगा है तो क्या हुआ भाई दवा तो डॉक्टर्स के द्वारा ही दी जाएगी एक्सपेरिमेंट किया जाता है ठीक है नहीं लिखा है नहीं लगा कोई बात नहीं एक्टिव वॉइस में कैसे होगा एक्टिव वॉइस में होगा फार्मर्स यूज ऑप्शन टू प्लाउ द फील्ड डॉक्टर्स यूज प्लस यूज प्लेसिबो टू गिव मेडिसिन लाइक इफेक्ट देखो और लास्ट आ जाओ थर्ड नंबर ही डेड यूज टू वर्क हार्ड आप पढ़ चुके हो कि डेड v2 है दो v2 एक साथ नहीं आता है, मैं पढ़ा चुकी हूं तो क्या करूं भाई एम्फोसाइज करना चाहती हूं कि वो मेहनत किया करता था भाई करता था मेहनत यानी कि जोर दे रही हूं अगर जोर दे रही हूं तो ये हटा दो क्यों क्योंकि डू डस डिड के बाद याद है आई डू कम हियर डेली ही डिड मेक मिस्टेक डिड के बाद मेक लगाया था इसीलिए यूज में से डी हटा दो तो क्या बनेगा ही डिड लगा दिया है तो डिड यूज टू होगा ठीक है देखो उधर कर दिया है थर्ड में यस yes, मीनाक्षी यहां पे आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश भाषा है यार हर जगह पे हम इसके चक्कर में थोड़ी पढ़ सकते हैं कि देखो रूल ये है वो नहीं होता हो गया और लास्ट देखो ही यूज टू नॉट कम लेट फिर मैंने कहा था आपको क्या कहा था कि भाई टू प्लस वर्व का बेस फॉर्म को कोशिश पूरी करो कि स्प्लिट करने की जरूरत ना पड़े है ना तो टू प्लस वर्व का बेस फॉर्म को एक साथ लगा दिया और यूज नॉट को एक साथ कर दिया जो ऑट टू का, का काम किया था ना वही यूज टू में भी किया है, है ना ठीक है डिड के साथ वर्व का फर्स्ट फॉर्म आता है बेटा देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद फिर दूसरा शुरू हो जाएगा ये नेक्स्ट क्लास में मेरा खत्म हो जाएगा तो सुपर फ्लूस रख लेना ठीक है ना है ना अब आओ नीड और अरे नीड और डेयर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको तुरंत नहीं करा पाऊंगी मैं एनी भी एक बार देख लो Gracias. मेरे देखो नीड और डेयर अगर देखा जाए तो अभी हम शुरू करेंगे तो खत्म होगा नहीं फिर उसको अगले क्लास में रिपीट तो करना ही पड़ेगा खाली याद रखो नीड मतलब नेसेसिटी और डेयर मतलब और बस इतना याद रखो यानी कि बोल्डनेस यानी कि जिसको दुस्साहस करते ठीक है बस अभी रुक जाओ आज रहने तो इतना ही चलो बंद कर दो थोड़ा सा बड़ा करना हाँ थोड़ा सा भर करो हाँ बस हाँ चलो हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे थे और बिल्कुल अब लास्ट लास्ट में पहुंच पड़े हैं मॉडल्स में जरा नीड और डेयर बेटा एक मिनट के लिए पहले इसको देख लो फिर मैं समझाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ठीक है देख लिया अब देखो यह नीड जो है ना वो नेसेसिटी शो करता है यानी कि जरूरत को शो करता है और डेर जो है वो दुस्साहस या बोल्डनेस को शो करता है है ना नीड और डेर मैंने कहा था शुरू में ही लिख दिया था जहां हमने बताया था कि देखो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है और इसीलिए ये जिसमें आता है वो कंप्लीट मॉडल नहीं है पार्शियल मॉडल है आप पार्शियल मॉडल्स कैसे हैं खुद सोचो ध्यान से देखो अगर हम टू हरी की बात करें नीड टू हरी तो एक बात बताओ नीड टू हरी जब आप नीड की बात करते हो ना बेटा तो नीड अगर मेन वर्ब है तो ये जो टू हरी है ये इनफिनेटिव है आप कहोगे नहीं मैम मेन वर्ब ये है टू हरी है और नीड जो है मॉडल है कभी भी मेन वर्ब टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म थोड़ी होता है आप पढ़ चुके हो कि टू प्लस वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो इनफिनेटिव होता है याद रखना जो इनफिनिटिव होता है वो मेन वर्ब के बाद आएगा क्यों क्योंकि भाई वाक्य में एक मेन वर्ब तो होना ही चाहिए ना सब जानते हैं एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब चाहिए अगर मान लो अगर मान लो कि ये मॉडल है और ये इनफिनेटिव है तो फिर मेन वर्ब कहां है तो बोलोगे नहीं है भाई नहीं है तो थोड़ी बन जाएगा सेंटेंस इसका मतलब है कि ये जो नीड है ना नीड अगर मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए था और मेन वर्ब नहीं है इसका मतलब गलत है तो फिर एक बात बताओ तो मैं क्या मॉडल और इन्फिनेटिव से सेंटेंस नहीं बना सकता हूं नहीं बना सकते हो क्यों नहीं बना सकते हो क्योंकि बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि एक वाक्य में एक मेन वर्ब होना ही चाहिए ओके okay, फाइन ये तो मेन वर्ब नहीं हो सकता ना नहीं क्यों क्योंकि टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है तो फिर बच गया क्या तो बच गया नीड इसका मतलब नीड क्या है मेन वर्ब है ओके okay, फाइन इसका मतलब है कि पहला वाक्य में जो नीड है वो मेन वर्ब है तो कई बार आप ये भी कह सकते हो कि मैम फिर हम नीड स्टडी नहीं बोल सकते हैं जैसे तो यू शुड स्टडी यू नीड स्टडी आप सोचो अच्छा लगता है सुन के आई नीड स्टडी खुद ही बोलोगे मैम ये अच्छा नहीं लग रहा है, है ना कहोगे ये अच्छा नहीं लग रहा आई नीड स्टडी अगर आई नीड स्टडी अच्छा नहीं लग रहा है तो ये ध्यान रखना कि इसका मतलब है कि नीड हरी नीड स्टडी आई नीड गो नीन्स नीड का इस्तेमाल पॉजिटिव वाक्यों में पॉजिटिव वाक्य है देखो सिर्फ मेन वर्ब के रूप में हुआ है। नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में सिर्फ मेन वर्ब के रूप में होगा क्यों क्योंकि नीड यहां अगर मॉडल मानोगे तो भाई हमारे पास मेन वर्ब नदारत है यहां कुछ तो होना चाहिए था राइट right? चलो अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड सेंटेंस को जरा ध्यान से देखना थर्ड सेंटेंस ध्यान से देखो आप खुद कहोगे थर्ड सेंटेंस में कि भाई यू नीड टू वरी यू नीड नॉट टू वरी ये थोड़ा गलत लग रहा है कैसे ध्यान से देखो हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो कहते हैं यू शुड नॉट वरी ज्यादा जोर दे रहे हैं तो यू मस्ट नॉट वरी भाई मस्ट नॉट टू वरी तो नहीं बोलते हो तो नीड नॉट टू वरी क्यों लिख दिया इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारी आदत है नीड टू वरी नीड टू हरी टू नीड नॉट टू हरी आए समझ में क्योंकि हम पॉजिटिव वाक्यों में नीड टू स्टडी बोलते हैं ना तो नेगेटिव में कहते हैं अच्छा नीड टू स्टडी मैम ने तो सिखा है नॉट लगाना बस तो नीड नॉट टू स्टडी बेटा क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर से वन और टू इज नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर से क्यों क्योंकि इसके चक्कर में हम इसमें भी टू लगा के छोड़ देते हैं हर मॉडल के बाद नॉट के तुरंत बाद वे वर्व का बेस फॉर्म आता है इन्फिनेटिव नहीं आता बेर इन्फिनेटिव आता है ठीक है इसीलिए क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन थर्ड से आता है ये ध्यान रखना ठीक है क्लियर इसीलिए हम अगर देखें तो हमको सीधा याद रखना चाहिए मुझे कुछ नहीं मुझे सीधा एक ही चीज याद रखना चाहिए कि इस पेज से अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा कि नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद इनफिनिटिव नहीं आता बल्कि बेर इन्फिनेटिव आता है इस पेज में हमें बस इतना ही ध्यान रखना है मॉडल अपने साथ टू नहीं लेता यस yes. ठीक है इसीलिए क्योंकि मॉडल के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता मॉडल के बाद वर्व का बेस फॉर्म आता है तो फिर भाई पहला क्या गलत कर दिया सेकंड पहला में क्या प्रॉब्लम है पहला में ये प्रॉब्लम है कि नीड हरी नीड वरी हम नहीं बोलते है ना नीड टू वरी बोलते हैं तो इसका मतलब तो इसका मतलब मॉडल ही नहीं है अगर आपने नीड वरी कहा और कहोगे ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है यू नीड वरी नहीं अच्छा नहीं लग रहा है यू नीड टू वरी सही लग रहा है इसका मतलब है कि नीड मॉडल है ही नहीं फिर तो पॉजिटिव वाक्यों में फिर नेगेटिव में नेगेटिव में आराम से चलेगा मॉडल के बाद बेटा वर्व का बेस फॉर्म आता है मैंने राहुल ये कहा था मैंने खाली बी नहीं कहा था ठीक है अब हमारा तीसरा नंबर क्लियर है अब आओ चौथा नंबर ही डज इन नीड टू बोलोगे अच्छा ये तो बड़ा आराम से डज नॉट ले रहा है तो हमें पता है डू नॉट नॉट बताता है कि उसके पहले जो है वो मेन वर्ब नहीं हुआ हेल्पिंग वर्ब है ना डज नॉट डू नॉट डिड नॉट तो ये डू डस और डिड हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद ये जो नॉट है उसके साथ कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में आ गया इसका मतलब यह हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब तो भाई उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा सबको पता है टेंस पढ़े हुए हैं तो पता होना चाहिए कि नॉट डे बाद मेन वर्ब आता है अगर बी को छोड़ दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब यही तो करते हैं है ना तो इसका मतलब ये मेन वर्व है ओके मेन वर्व है मुझे एक और वर्ब लगाना है क्या करूं मैं तो भाई टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाओगे ये स्पोकन में भी सिखाते हैं कि मेन वर्व के बाद मुझे एक और वर्ब लगाने का मन है क्या करूं तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो है ना क्लियर देखो ही डज नीड टू टेक द एग्जाम उसे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अब आओ चलो ये मेन वर्व है ओके अगर मेन वर्व है तब तो हम बड़े आराम से उसके साथ इन्फिनेटिव लगाएंगे और अगर मेन वर्व है तो भाई नेगेटिव बनाएंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बनाएंगे तो ये ध्यान रख के बनाएंगे भाई ही है ही के साथ मेन वर्ब में एसई एस लगता है देखो क्या ध्यान रख के बनाएंगे ना ठीक है नीड नॉट टू वरी बोलते हूं गलत है बेटा तभी तो सिखा रहे हैं एग्जाम वहीं से आता है जहां पे सब प्रॉब्लम में रहते हैं क्लियर चलो देखो ध्यान से ही नीड्स टू वर्क हार्ड यानी कि उसे मेहनत करने की बहुत जरूरत है क्लियर अब आओ नेक्स्ट ही नीड्स टू गो देर इसका मतलब नीड्स है ओके okay, फाइन और टू गो भी है फाइन इसका मतलब ये मेन वर्ब है और ये क्या है तो ये इन्फिनेटिव है क्लियर इसका मतलब कि आपकी मर्जी अगर ही शी इट लगा रहे हैं तो मेन वर्ब को जैसे टेंस में यूज करते हैं ना वैसे ही आराम से करते रहो ना दैट्स नेगेटिव ना यस यहां पे नेगेटिव है नीड नॉट एंड डेयर नॉट ये सब नेगेटिव होता है अब आओ क्वेश्चन डेयर ही टू ट्रस पास ये तो गलत है डेयर ही ट्रस पास अगेन ये सही है इसका मतलब इसका मतलब क्या वो फिर से आ, बिना परमिशन के अंदर आएगा ट्रस्ट पास का मतलब होता है बिना परमिशन के अंदर आना ट्रस्ट पास का मतलब होता है बिना परमिशन के अंदर आना फोर में नीड्स होगा फोर में नीड्स कैसे होगा यार यार मतलब टेंस कल क्लियर नहीं आपका जब डजेंट लग गया तो मेन वर्ब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होगा ही डजेंट गो कहते हैं ना ही डजेंट गोस थोड़ी कहते हैं ठीक है ठीके? देखो नीड्स टू गो there का मतलब क्या है कि उसे वहां जाने की जरूरत है क्या वह फिर से बिना परमिशन के अंदर आने की हिम्मत करेगा तो डेर ही देखो अगर मैं इसके जगह पे शुड लगाती तो शुड ही ट्रस्ट पास हर मॉडल के साथ वर्व का बेस फॉर्म आता है टू प्लस वर्व का बेस फॉर्म नहीं आता यानी पूरा यहां तक खत्म करने के बाद एक बात खाली याद रख लो नीड और डेर मॉडल के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में आराम से आएगा और वहां पर फिर कोई इन्फिनेटिव नहीं बेर इन्फिनेटिव यानी वर्ब का बेस फॉर्म लेगा क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है इंट्रोगेटिव वाक्य में आराम से आएगा वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है ना तो देखो डेयर उठ के आगे गया क्यों क्योंकि मॉडल ही तो उठ के आगे जाएगा फिर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं होगा सिर्फ बेस फॉर्म होगा ठीक है ये सारा में आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि नीड और डेयर मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्य में काम करता ही नहीं लेकिन नेगेटिव में करता है और इंट्रोगेटिव में करता है इसलिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नीड और डेयर के बाद इंफिनेटिव नहीं टू प्लस वर्व का बेस फॉर्म नहीं बल्कि बेर इंफिनेटिव यानी सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा विदाउट परमिशन अब आओ एथ में कहोगे मैम ये नॉट है नॉट का मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्व है और नीड हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो सिर्फ मॉडल में पढ़े हैं ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये मॉडल है एक बात बताओ कभी भी कैन can का can's पढ़ाया मैंने आपको बोलोगे नहीं कुड का कुड्स पढ़ाया नहीं इसका मतलब मॉडल जो है ना वो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो किसी सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करता मॉडल कभी भी ये एस ई एस फॉर्म वगैरह नहीं लेता इसीलिए मॉडल के रूप में नहीं मेन वर्ब के रूप में तो चलेगा क्यों भाई मेन वर्ब है तो वो नीड्स भी होगा नीडेड भी होगा विल नीड भी होगा टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा लेकिन मॉडल के रूप में भाई मॉडल में कभी भी मैंने अब कैन can का कैन कुड could का कैंस नहीं पढ़ाया है ना बेटा कंफ्यूजिंग है मुकेश तभी मैं इसको जानते हो मुझे कहाँ पढ़ाना चाहिए था मुझे पढ़ाना चाहिए था वर्व में क्यों क्योंकि वर्व में प्राइमरी हेल्पिंग वर्व और मॉडल्स यही तो दो चीजें होती हैं हेल्पिंग वर्व दो प्रकार के हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्व और मॉडल्स मुझे मॉडल्स वहीं पढ़ाना चाहिए था लेकिन वहां में क्या समझाती तुम लोग को इनफिनिटिव उस समय समझ में आता उस समय मैं मेन कहां से आपको ये का एस एस फॉर्म नहीं लेगा देखो नेम सिंगुलर में है. है समझाऊंगी मैं आपको नॉट के पहले वर्व का बेस फॉर्म आता है सॉरी नॉट के पहले वर्व हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब यहां पे यह जो मॉडल्स है वो मेन वर्ब की तरह या की तरह नहीं है कि एस फॉर्म फाइनाइट वर्ब होते शुड्स can could should नहीं, नहीं हुआ हा ही गोस आई गो दे गो यहां पर यह चेंज होता है तो इसीलिए ये मेन वर्ब नहीं है ये मॉडल है और मॉडल मेन वर्ब की तरह एस फॉर्म नहीं लेगा वहां पे कहां से सिखा पाती मैं आपको कंफ्यूजिंग तो है पता कैसे चलेगा प्रियंकित पता तब चलेगा जब आप मेन वर्क के पहले लगाओगे पता तब चलेगा जब नॉट के पहले लगाओगे क्योंकि आप पढ़ चुके हो नॉट के पहले क्या आता है हेल्पिंग वर्ब आता है देखो क्या ध्यान रख के बनाएंगे ना ठीक है नीड नॉट टू वरी बोलते हूं गलत है बेटा तभी तो सिखा रहे हैं एग्जाम वहीं से आता है जहां पे सब प्रॉब्लम रहते हैं Clear? चलो देखो ध्यान से ही नीड्स टू वर्क हार्ड यानी कि उसे मेहनत करने की बहुत जरूरत है क्लियर अब आओ नेक्स्ट ही मतलब नीड्स है okay, fine. और टू गो भी है fine. इसका मतलब ये मेन वर्ब है और ये क्या है तो ये इंफिनेटिव है क्लियर इसका मतलब कि आप ही मर्जी अगर ही शी इट लगा रहे हैं तो मेन वर्ब को जैसे टेंस में यूज करते हैं ना वैसे ही आराम से करते रहो ना दैट्स नेगेटिव ना yes. यहाँ पे नेगेटिव है नीड नॉट एंड डेयर नॉट ये सब नेगेटिव होता है अब आओ क्वेश्चन डेयर ही टू ट्रस्ट पास ये तो गलत है डेयर ही ट्रस्ट पास अगेन ये सही है इसका मतलब इसका मतलब है क्या वो फिर से आ, बिना परमिशन के अंदर आएगा ट्रस्ट पास का मतलब होता है बिना परमिशन के अंदर आना ट्रस्ट पास का मतलब होता है बिना परमिशन के अंदर आना

टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं आता यानी पूरा यहां तक खत्म करने के बाद एक बात खाली याद रख लो नीड और डेर तो ये इन्फिनेटिव है क्लियर इसका मतलब कि आप आपकी मर्जी अगर ही शी इट लगा रहे हैं तो मेन वर्ब को जैसे टेंस में यूज करते हैं ना वैसे ही आराम से करते रहो ना दैट्स नेगेटिव ना यस यहाँ पे नेगेटिव है नीड नॉट एंड डेयर नॉट ये सब नेगेटिव होता है अब आओ क्वेश्चन डेयर ही टू ट्रसपास ये तो गलत है डेयर ही ट्रसपास अगेन ये सही है इसका मतलब इसका मतलब क्या वो फिर से बिना परमिशन के अंदर आएगा ट्रसपास का मतलब होता है बिना परमिशन के अंदर आना ट्रस्ट पास का मतलब होता है बिना परमिशन के अंदर आना फोर में नीड्स होगा फोर में नीड्स कैसे होगा यार यार इसका तो मतलब टेंस कल क्लियर नहीं है आपका जब डजेंट लग गया तो मेन वर्ब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होगा ही डजेंट गो कहते हैं ना ही डजेंट गोस थोड़ी कहते हैं ठीक है ठीके? देखो ही नीड्स टू गो देर का मतलब क्या है कि उसे वहां जाने की जरूरत है क्या वह फिर से बिना परमिशन के अंदर आने की हिम्मत करेगा तो डेर ही देखो अगर मैं इसके जगह पे शुड लगाती तो शुड ही ट्रस्ट पास हर मॉडल के साथ वर्व का बेस फॉर्म आता है टू प्लस वर्फ का बेस फॉर्म नहीं आता यानी पूरा यहां तक खत्म करने के बाद एक बात खाली याद रख लो नीड और डेर मॉडल के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में आराम से आएगा और वहां पर फिर कोई इन्फिनेटिव नहीं बेर इन्फिनेटिव यानी वर्व का बेस फॉर्म लेगा क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्फ का बेस फॉर्म आता है इंट्रोगेटिव वाक्य में आराम से आएगा वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है ना तो देखो डेयर उठ के आगे गया क्यों क्योंकि मॉडल ही तो उठ के आगे जाएगा फिर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं होगा सिर्फ बेस फॉर्म होगा ठीक है ये सारा में आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि नीड और डेयर मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्य में काम करता ही नहीं लेकिन नेगेटिव में करता है और इंट्रोगेटिव में करता है इसलिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नीड और डेर के बाद इन्फिनेटिव नहीं टू प्लस वर्क का बेस फॉर्म नहीं बल्कि बेर इन्फिनेटिव यानी सिर्फ वर्क का बेस फॉर्म आएगा ट्रस्ट पास मीन टू एंटर समवंस लैंड विदाउट परमिशन अब आओ एट में कहोगे मैम ये नॉट है नॉट का मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब है और नीड हम हेल्पिंग वर्ग के रूप में तो सिर्फ मॉडल में पढ़े हैं ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये मॉडल है एक बात बताओ कभी भी कैन can का कैंस पढ़ाया मैंने आपको बोलोगे नहीं कुड could का कुड्स पढ़ाया नहीं इसका मतलब मॉडल जो है ना वो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो किसी सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करता मॉडल कभी भी ये एस ई एस फॉर्म वगैरह नहीं लेता इसीलिए मॉडल के रूप में नहीं मेन वर्ब के रूप में तो चलेगा क्यों भाई मेन वर्ब है तो वो नीड्स भी होगा नीडेड भी होगा विल नीड भी होगा टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा लेकिन मॉडल के रूप में भाई मॉडल में कभी भी मैंने कैन can का कैंस और कुड could का कुड्स नहीं पढ़ाया है है ना बेटा मुकेश तभी मैं इसको जानते हो मुझे कहां पढ़ाना चाहिए था? मुझे पढ़ाना पढ़ाना चाहिए चाहिए था था में में क्यों क्योंकि वर्व में, primary helping verb और models, यही तो दो चीजें होती हैं दो प्रकार के हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्व और मॉडल्स मुझे मॉडल्स वही पढ़ाना चाहिए था लेकिन वहां मैं क्या समझाती तुम लोग को इन्फिनेटिव उस समय समझ में आता उस समय मैं मेन वर्व कहाँ से समझाती आपको ये स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंटेंस का

हाँ ही गोस आई गो दे गो यहां पर ये चेंज होता है तो इसीलिए ये मेन वर्ब नहीं है ये मॉडल है और मॉडल मेन वर्ब की तरह एस एस फॉर्म नहीं लेगा वहां पे कहां से सिखा पाती मैं आपको कंफ्यूजिंग तो है पता कैसे चलेगा प्रियंकित पता तब चलेगा जब आप मेन वर्ब के पहले लगाओगे पता तब चलेगा जब नॉट के पहले लगाओगे क्योंकि आप पढ़ चुके हो नॉट के पहले क्या आता है हेल्पिंग वर्ब आता है मेन वर्ब नॉट के बाद आता है पॉजिटिव में You need गो नहीं बोलते हैं कभी यू नीड टू गो कहते हैं इसका मतलब नीड वहां पे मॉडल है ही नहीं क्योंकि अगर मॉडल होता तो टू गो नहीं खाली गो आता देखो बताओ लेकिन अगर आप टेंस पढ़ चुके हो ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है अब आओ नेक्स्ट पेज जरा इसको देखो तो बेटा मॉडल्स तो, से क्वेश्चंस तो कम होते हैं इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूं इसमें दुनिया भर के क्वेश्चंस डाल के और आप मेरा वॉल्यूम वन में देखोगे तो वॉल्यूम वन में वर्ब में ही मॉडल्स खत्म कर दिया मैंने इसको रखो इसमें काफी चेंजेस कर रहे थे लेकिन ये सारा चेंजेस करने के बाद स्पोकन का बुक बन जाएगा इसीलिए इसको बहुत अच्छे से जो मैं वॉल्यूम का साइज है ना उस साइज में डलवाते चले जाओ गया परफेक्ट मॉडल देखो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा यू शुड हैड कम ही चीज पढ़ाती हूं कि हर model के बाद का बेस फॉर्म आता है तो फिर नहीं, have होगा। अब कहोगे मैम, अगर हम ही लगा दे तो क्या होगा? वो भी गलत होगा क्यों क्योंकि कुछ भी हो जाए, हर मॉडल के बाद वर्व का बेस फॉर्म होगा यानी कि have form है बेस एस फॉर्म क्लियर समझ में आया अब देखो क्या मीनिंग क्या निकल रहा है मीनिंग इसका क्या निकल रहा है इसका मीनिंग निकल रहा है कि यू शुड यस्टरडे आपको कल आना चाहिए था है ना आपको कल आना चाहिए था आ। बेटा फाइव में नीड्स नहीं आया है फाइव में नीड्स इसलिए आया है क्योंकि यहां पे मेन वर्ब है वो मॉडल नहीं है इनफिनेटिव है इनफिनेटिव मेन वर्ब नहीं होता है तो ये मेन वर्ब ही तो एस फॉर्म लेगा ना एक मेन वर्क चाहिए ना आपको अब आओ यू शुड हैव कम यस्टरडे का मीनिंग इसका मतलब है कि आपको कल आना चाहिए था फाइन तो हिडन मीनिंग क्या है इसमें एक छिपा हुआ मीनिंग है क्या कि तुम नहीं आए आपको कल आना चाहिए था लेकिन आप नहीं आए ये हिडन मीनिंग है यहां पे देखो यू शुड हैव कम यस्टरडे इसका मतलब है आपको कल आना चाहिए था लेकिन इसका मीनिंग ये भी निकल रहा है कि तुम नहीं आए क्लियर समझ में आया आ जाओ नेक्स्ट स्ट्रीट बहुत ज्यादा पूरा जो सड़क है पानी से भरा हुआ है सुबह उठ के मैं देख रही हूँ पूरा सड़क पानी से भरा हुआ है हालांकि रात में इतनी तेज नींद आई थी कि मैंने देखा ही नहीं कि बारिश हुई कि नहीं लेकिन पूरे सड़क में पानी पानी देख के मैं क्या कहूंगी कल रात जरूर बारिश हुई होगी यहां कोई हिडन मीनिंग है नहीं यहां कोई हिडन मीनिंग नहीं है इसका मतलब है कि संभावना वाले वाक्य चाहे वो बहुत स्ट्रांग संभावना हो या लाइट संभावना हो कोई फर्क नहीं पड़ता संभावना वाले वाक्य अगर पास्ट का हो तो उसमें कोई हिडन मीनिंग नहीं है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है पास्ट की ही बात है इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट का मतलब है कल रात बारिश हुई होगी सुबह उठ के बोल रही हूं यानी कि पास्ट यू शुड हैव कम यस्टरडे कल की बात कर रही हूं यानी कि पास्ट है ना इसका मतलब है कि ये जो परफेक्ट मॉडल है ये हमें कुछ पास्ट का एहसास दिलाता है लेकिन विल शाल तो फ्यूचर का एहसास दिलाता है इसलिए विल शाल वाले मॉडल की बात नहीं कर रही हूं मैं इस स्ट्रक्चर में सिर्फ विल शाल को छोड़ दिया जाए तो वो पास्ट का एहसास कराएगा ठीक है जैसे देखो ध्यान से वन और टू में आपने देख लिया कि पास्ट का एहसास कराया थ्री अभी रुक जाओ अभी बाद में करेंगे फोर्थ में आओ आई नीड नॉट हैव वॉटर द प्लांट्स क्यों क्योंकि जैसे मैंने खत्म किया पानी देना पौधों पे बारिश शुरू हो गई यानी पौधों को पानी देकर मैं हटी और बारिश शुरू हो गई मतलब मुझे पानी देने की जरूरत नहीं थी देखो नीड जो है नेसेसिटी बताता है और मॉडल के रूप में वो नेगेटिव सेंटेंस में ही आता है तो देखो मैंने नेगेटिव सेंटेंस ही बनाया है मॉडल प्लस हाफ प्लस वी थ्री वॉटर यहां क्या है वर्व के रूप में देखो मॉडल यहां पे वर्व के रूप में राहुल आप पेज नहीं पलटूंगी मैं आई नीड नॉट हैव द प्लांट्स का मतलब है कि हमें पानी देने की मुझे जरूरत नहीं थी क्योंकि जैसे मैंने पानी देना खत्म किया बारिश शुरू हो गई देखो ध्यान से इसका मतलब इसका मतलब है मुझे पानी देने की जरूरत नहीं थी बोला ना हिडन मीनिंग क्या निकल रहा है कि पानी दे दिया था आपको कल आना चाहिए था हिडन मीनिंग क्या निकल रहा है आप नहीं आए इसका मतलब है अगर हम संभावना वाले वाक्य को छोड़ दें तो परफेक्ट मॉडल्स में एक हिडन मीनिंग निकलता है क्वेश्चन आया था क्या ही रिटर्न द पर्स उसने पर्स वापस कर दिया दो ही कुड कीप इट नहीं कीप इट नहीं दो ही वो उसे पर्स को रख सकता था हिडन मीनिंग निकल रहा है कि उसने वापस कर दिया हालांकि हिडन मीनिंग को यहां पर स्पष्ट रूप से नहीं देगा तो फिर आपको क्वेश्चन कहां से समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है ही रिटर्न द पर्स हालांकि उसे रख सकता था एबिलिटी की बात है ही कुड हैव केप्ट इट देखो अनलाइक का मतलब होता है उसके जैसा नहीं है ठीक है देखो बेटा बात क्या है ना ये साइबर नेटवर्क हो डेटा हो आपको मैं बताती हूं ये सब शुरू हुआ जब जियो ने जब जियो ने अपना रेट कम कर दिया और फ्री में उन्होंने डेटा बांटा वरना उसके पहले ऑनलाइन क्लास का कोई कंसेप्ट ही नहीं था

और सोचोगे पहले जैसा सिस्टम हो जब फ्री डेटा था अब वो चीज नहीं हो सकता है ना तो अगेन ऑनलाइन का कंसेप्ट शुरू तो हुआ फ्री डेटा से लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना शुरू में सब चीज फ्री दिया जाता है आपके दोस्त आपको शराब भी शुरू में फ्री में पिलाएंगे जितने जो ड्रग्स बेचने वाले हैं वो ड्रग्स भी पहले शुरू शुरू में फ्री में चटायेंगे है ना क्योंकि उनको पता है कि बाद में घर बेच के भी लेकिन ड्रग्स खरीदेगा तो आपको भी फ्री में उन्होंने नशा करा दिया अब आपको पे करना पड़ेगा ठीक है अजीत मैं गुड़गांव में नहीं रहती हूँ बेटा गुड़गांव से करीबन डेढ़ घंटे दूर पे मुखर्जी नगर में रहती हूँ ठीक है हाँ सी जी एल का एग्जाम का डेट बढ़ गया है इसीलिए चेयर थ्री के लिए आपके पास समय नहीं है टीयर थ्री को साथ में तैयारी करना पड़ेगा अच्छा सेकेंड वाला मैंने रोक दिया था थर्ड मैंने रोका था ये देखो वन टू और फोर और फाइव ध्यान से सुनना थर्ड में आ जाओ याद करो मैंने आपको टेंस पढ़ाया था टेंस में कहा था मैंने कि सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट हो तो के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है, के बाद अगर सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता, हो, तो होता है तो कहोगे मैम ये मे ग्रो नहीं होगा ही हैज ग्रोन ओल्ड होगा क्योंकि आपने सिखाया था कि सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा यानी आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो उसके बाद वो बूढ़ा हो चुका है लेकिन ये तो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं ये मैं आपको मॉडल्स पढ़ा रही हूं ठीक है क्लियर ये मैं आपको मॉडल्स पढ़ा रही हूं तो बोलोगे कि मॉडल का इसमें क्या इस्तेमाल है अब खुद सोचो अब जैसे मान लो अभी भी एक ही फोटो लेके दाऊद इब्राहिम को पुलिस ढूंढ रही है वही जवानी का फोटो जो सार्जा मैच में वो बैठा हुआ है स्टेडियम में तो कहोगे नहीं वो बूढ़ा हो चुका होगा आखिरी बार जो देखा है पुलिस ने उसे उसके बाद वो बूढ़ा हो चुका होगा यानी कि जरूर हो चुका होगा फेस बिल्कुल चेंज कर चुका होगा जरूर हो चुका होगा क्योंकि 20 साल से ऊपर हो गए तो आप क्या कहोगे आप बूढ़ा हो चुका है नहीं कहोगे आप क्योंकि कह रहे हो यार कौन सा फोटो लेके घूम रहे हो वो बूढ़ा हो चुका होगा निश्चित तौर पर तो कहोगे ही मस्ट हैव हैव ओके शायद तो ही माइट है है ना इसका मतलब है कि सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आता है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो तब आएगा ना जब वो है हुआ है अगर पॉसिबिलिटी की बात है तो पॉसिबिलिटी के समय में हम तो सीधा-सीधा लगाएंगे ही मे हैव Grown और है ना जरा आप क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन इस पेज में देख लो अब रचना हम यहाँ ये सब चीज थोड़ी डिस्कस करेंगे बेटा देखो ठीक है एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लो मॉडल्स आर फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इफ वी यूज मॉडल प्लस है प्लस इन अ सेंटेंस देर इज अ हिडन मीनिंग इन द सेंटेंस

वही हिडन मीनिंग को आपको एक कनेक्टेड सेंटेंस में दे देगा ठीक है सेकेंड का जो है इन मॉडल्स डिनोटिंग पॉसिबिलिटी अगर मॉडल्स डिनोटिंग पॉसिबिलिटी कम इन परफेक्ट फॉर्म ठीक है अगर मॉडल्स डिनोटिंग पॉसिबिलिटी कम्स इन परफेक्ट फॉर्म देर इज नो हिडन मीनिंग मैंने बताया था आपको क्या कहा था यू शुड हैव कम यस्टरडे में एक हिडन मीनिंग है कि नहीं आई लेकिन इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट में ऐसा कोई हिडन मीनिंग नहीं है जो अपोजिट है जरूर बारिश हुई होगी तो ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि नहीं नहीं हुई है ना अंजलि ऐसे का जो मेरा वॉल्यूम थ्री है 2016 से सारा करंट ऐसे उसमें है ठीक है सम थीफ माइट हैव ब्रोकन द लॉक किसी ने ताला तोड़ा होगा देखो इसमें कोई हिडन मीनिंग नहीं है और थर्ड क्या बताया मैंने कि इफ सिंस इज फॉलोड बाय सिंपल पास टेंस अगर सिंस के बाद सिंपल पास टेंस दिया हो तो सिंस इज बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा है ना बट इफ पॉसिबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द सेंटेंस अगर पॉसिबिलिटी दिया हो सेंटेंस में तो हम मॉडल परफेक्ट का प्रयोग करते हैं इसीलिए मे ग्रो नहीं मे हैव ग्रोन का इस्तेमाल करोगे ठीक है अब इसको तो हम ऑलरेडी वर्ब में भी कराते हैं और ये बहुत जरूरी नहीं है यहां पे क्योंकि मैं तो यहां पे मैंने लिख दिया है सी वर्ब बेसिक वहां भी लिख दिया है सी वर्ब बेसिक वुड रादर दान को मैंने लिख दिया है सी मूड ये मूड में तो वुड राधा दान करा चुकी हूं मैं अब यहां पे रिपीटेशन की जरूरत नहीं है बेटा अब मैं फिर से कहोगे नहीं मैम वर्ब नहीं पढ़ा पढ़ा दो अननेसेसरी और ये भी मैं ऑलरेडी मूड में करा चुकी हूं इससे जो चीज रिपीटेशन हो रहा है उस चीज को मैं यहां पे रिपीट नहीं करूंगी देख लो हमारा मॉडल चैप्टर खत्म हो गया क्लियर इसको पूरा कंप्लीट करा लेना एक जगह पे आंसर्स पर लिखना ने लिखा नहीं दे पास्ट की एबिलिटी बताता है पास्ट का परफॉर्मेंस नहीं बताता है आई कुड हैव कम यस्टरडे ठीक है ना इसका मतलब है कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे मतलब मैं नहीं आ सकी आई कुड हैव कम मतलब मैं आ सकती थी ठीक है अच्छा ये हमारा हो गया अब इसके बाद आपका ये प्रोव तो हो चुका था इस बैच में है ना इस बैच में प्रोव हो चुका था मे माइट मस्ट सदा एप्लीकेबल है पूजा उसमें अब एक बच गया है खाली आपका जो मुझे खत्म कराना है उसके बाद ये बैच आपका नाउन से रिन्यू होगा बेटा और उसमें फिर एक नया बैच और ऐड होगा नाउन से ठीक है नाउन टाइप कराना तो शुरू कर दो अकलौता नाउन और आर्टिकल ये दो चैप्टर जो नहीं बना है और इलेवन 12, थर्टीन बाकी सब हो चुका है चलो सुपर फ्लोस एक्सप्रेशन में आ जाओ ठीक है दीपक क्लास डाउट का रख भी सकते हैं क्योंकि अभी देखो ना ये चैप्टर के बाद मेरे पास काफी समय है अभी तक का जितना डाउट्स है ना ये सारा आप उठा लो अभी तक के सारे डाउट्स कंप्लीट रख लो क्योंकि अभी आपका ये खत्म होने के बाद मेरे पास एक दो क्लास हाथ में बच जाएंगे ठीक है चलो सुपर फ्लोअर्स जरा एक बार चेक करो फिर मैं समझाऊंगी इसका कॉपी इसका निकाले हो हो गया अभी रुको कुलदीप सुनो सुपरफ्लुअस का मतलब है जितना जरूरी है ना उससे ज्यादा का इस्तेमाल क्या जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल सुपरफ्लुअस ठीक है चीके? मतलब मतलब यह है कि आपका मीनिंग उसका होता है redundant. जैसे अगर मैं रिटर्न, तो रिटर्न का वापस होता है, तो के साथ रेस्पेक्टफुल वे ऑफ एड्रेसिंग रेस्पेक्टफुल वे ऑफ एड्रेसिंग समवन सर है उसके साथ फिर रेस्पेक्टेड सुपर नहीं है लेकिन हमारी आदत है कुछ चीजें गलत करने की क्योंकि जितना जरूरी है उससे ज्यादा लगा देते हैं है ना जैसे आपने कैन के साथ एबल uh, टू लगा दिया तो सुपर होगा ना वो भी यहां दिखाऊंगी मैं आपको आ जाओ देखो सबसे पहले टोल का मीनिंग क्या होता है इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट यू गिव ऑन रोड है ना ऑन हाईवेज सो यू फाइंड दैट एक टैक्स जो हमें देना पड़ता है हाईवे को यूज करने के लिए उसको हम टोल टैक्स बोल देते हैं भाई वो टैक्स है खुद ही टैक्स है इट इज समाइप ऑफ रोड टैक्स तो इसीलिए टोल के साथ टैक्स वर्ड यूज नहीं करोगे कई बार कहते हैं ही इज माई फैमिली मेंबर भाई ही इज फैमिली बोल दो चाहे सीधा ही इज फैमिली बोल दो प्लीज डोट टॉक टू हिम रूडली प्लीज डू नॉट टॉक टू हिम रूडली ही इज फैमिली समझ में आया क्लियर उसी तरह से सर और मैडम के साथ रेस्पेक्टेड वर्ड मत लगाना और मैडम का भी जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना बे, बेटा वो मैम होता है ऐसे होता है ठीक है ना वो मैम खाली एम ए एम नहीं होता अब आप कस्टम ट्रेडिशन और प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है कस्टम चलन होता है जो ट्रेडिशन होता है वो प्रथा होते हैं जो पुराने हो जाते हैं आपके धर्म के अंदर समाज आता है तो प्रथा बनाते हैं अब प्रैक्टिस का मतलब ऐसे जो नॉर्मली करते हो आप लोग प्रैक्टिस रेगुलर हो जाता है अब कहोगे मैंने कहा अरे वही वही जो नॉर्मल सा है, है ना जो रोज रेगुलर बेसिस पे करते हो ठीक है ट्रेडिशन वही जो यूजली होता था या होता है अब यूजअली होता था या होता है बोल रही हूं तो आपको नहीं लग रहा ये यूजल जो है वो गलत है इसके साथ यानी वर्ड आपका इसके साथ क्या है ये यस yes, बेटा इसको याद करना पड़ेगा सिमेंटिक्स अलग बुक अवेलेबल है लेटर में लगाते हैं सिफाली लेकिन ये इंग्लिश गलत है हालांकि बहुत ज्यादा चलन में है अब एम्बुश बेटा किसी का मीनिंग मत लिखना क्योंकि सबका मीनिंग मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया है ठीक है अब एम्बुश का मीनिंग देखोगे तो मैंने दिया हुआ है है ना इसीलिए आपको लगाने की जरूरत नहीं है एम्बुश का मतलब क्या है देखो आपके सोल्जर्स देखोगे घात लगा के छिप के बैठे रहते हैं वैसे नक्सली भी घात लगा के छिप के बैठे रहते हैं जैसे अगला पार्टी यानी कि या तो अगर सैनिक छुपे हुए हैं नक्सली जा रहे हैं या नक्सली छुपे हुए हैं सैनिक जा रहे हैं अचानक हमला होता है बहुत तेजी से अचानक इतनी तेजी से होता है कि संभलने का मौका नहीं मिलता है ना तो संभालने का मौका नहीं मिलता वही तो एम्बुश है द एक्ट ऑफ हाइडिंग एंड वेटिंग एंड देन सडनली अटैकिंग यानी जब इसका मीनिंग समझ में आ जाए तो आप खुद कहोगे कि मैम बिल्कुल सही है फिर उसके साथ हिडन या वेल्ड वेल्ड का मतलब ही होता है पर्दा लगा के है ना यानी कि छुप के हिडन ये सब वर्ड्स ठीक नहीं लग रहा है ना तो सडन एम्बुश भी नहीं कहेंगे राइट right? देख लो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर रचना आप लोगों को मैंने एक ही चीज कहा बेटा एक ग्रुप ज्वाइन करने कहा है आप लोग कर ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं के डी लाइव डाउट ग्रुप अगर फेसबुक में ज्वाइन कर लोगे तो उसमें सब लोग एक दूसरे का तो सुलझाई दे रहे हैं ठीक है रात में मैं देख लेती हूं तो जो बचे रहते हैं वो मैं देख लेती हूँ क्लियर इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन आया हुआ है आई केम एट सिक्स पी एम इन द इवनिंग अब बताओ सिक्स पी एम इन द इवनिंग सही होगा खुद सोचो सिक्स पी एम अगर है तो इसका मतलब ही तो है इन द इवनिंग विजिबल भाई आंखों को ही है है ना माइक्रोब्स आर नॉट विजिबल टू आईज ये क्या होता है है ना एम आई ऑडिबल टू द इर्स कभी बोला है कभी सुने? मुझे बोलते हुए ये इट इज ट्वेल्व ओ क्लॉक नून नहीं भाई या तो कहो इट्स नून या कहो इट्स मिड नाइट या तो कहो इट्स ट्वेल्व ओ क्लॉक ट्वेल्व ओ क्लॉक नून नहीं होता सिक्स पी एम इन नहीं होता और कुछ लोग कहते हैं फिंगर्स ऑफ द लेग लेग का फिंगर्स क्या होता है यार लेग के जो फिंगर्स नहीं होते हैं उसको कहते हैं टो है ना टोज कहते हैं कहते हैं आपके कितने फिंगर्स हैं आपके बॉडी में कितने फिंगर्स हैं कई लोग कहते हैं ट्वेंटी भाई ट्वेंटी नहीं है आपके टेन फिंगर्स है टेन तो टोज है पैर की उंगलियों को फिंगर्स नहीं कहते है. देखो अब बेटा आप अगर फेसबुक यूज नहीं करते हो तो मैं आपको बैठ के एक एक डाउट आपका पर्सनल थोड़ी सॉल्व कर पाऊंगी बीच बीच में मैंने कहा है आपका अब जैसे अभी ये चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम बचेगा नया बैच आ रहा है साथ में इसीलिए तो उस समय मैं आपके डाउट्स ले लूंगी ठीक है चलो नेक्स्ट पेज देखो सिनोनीम इसका रिडंडेंट है ठीक है ना पहले इसको देख लो और जो ब्रैकेट में रेड कलर से है ना वो वर्ड उसको सुपर बना रहा है ये ध्यान रखना वो वर्ड्स इनको सुपर बना रहे हैं ठीक है, देख लिया चलो सरोज मैं अब अब कोशिश करूंगी बेटा बस अब ये सब काम खत्म हो गया है ऐसे वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू नाइन थाउजेंड वन नाइन हंड्रेड वन थाउजेंड है ना अगर वो है तो देख लो आपके पास अगर वो है तो शॉर्ट एंड टॉल इन हाइट भाई ही शॉर्ट एंड टॉल लंबाई में छोटा लंबाई में लंबा जो होता है ना वो शॉर्ट एंड टॉल होता है अब इन हाइट क्यों लगाए भाई आपका जो कलर है वही फेयर एंड डार्क होगा फिर इन कॉम्प्लेक्शन क्यों लगाए फ्यू एब्जेक्ट में पढ़ोगे फ्यू मतलब मात्रा में कम है ना मेनी मतलब मात्रा में ज्यादा फिर फ्यू अ फ्यू द फ्यू पढ़ोगे लेकिन फ्यू जहां भी लगाओगे वहां काउंटेबल के साथ लगाओगे और अगर मच और लिटिल लगाओगे तो अनकाउंटेबल के साथ लगाओगे यानी कि क्वांटिटी में ज्यादा या क्वांटिटी में कम लिटिल का मतलब क्वांटिटी में ज्यादा मच क्वांटिटी में कम तो भाई हम नंबर और क्वांटिटी वर्ड थोड़ी साथ में लगाएंगे ग्रीन रेड ब्लू ऑरेंज इन कलर भाई ग्रीन रेड ब्लू ऑरेंज सब कलर ही तो होता है कहते हैं व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन देअ ओके ये सही है व्हाट इज द क्लाइमेट से बना हुआ एडजेक्टिव क्लाइमेटिक कंडीशन देर इसके चक्कर में कुछ बोलते थे हैं वॉट इज द वेदर कंडीशन देर भाई वेदर इज डे टू डे क्लाइमेटिक कंडीशन वेदर का मतलब रोज रोज का जो क्लाइमेट होता है ना उसको वेदर कहते हैं तो वेदर का का मतलब, का होता है. तो वेदर 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 का 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 क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक कंडीशन 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 मतलब डेली होता है के साथ मत लगा देना ठीक है क्लियर देखो प्रियंकित अभी मैंने सेवेंटी पेजेस स्पोकन का जानते हो तुम लोग को देने का इसलिए मन नहीं कर रहा है ना मैं रीजन बताती हूँ मैं इसलिए बताती हूँ क्यों नहीं देने का मन कर रहा है स्पोकन का डिक्शनरी क्योंकि तुम लोग उसको देखने लगोगे बेटा वो रेगुलर यूज के वो कैब है जैसे आप स्पोकन में यूज करोगे अब आप आप अपने से भटक जाते हो इसलिए स्पोकन वाले आपके ये ट्वेंटी शीट्स मांगते रहते हैं जो आप लोग को ट्वेंटी शीट्स करवा रही हूँ ना मैं क्लास में वो मांगते रहते हैं वो उनको नहीं दे रही हूँ मैं कंपल्सरी इंग्लिश वाले को दे दिया स्पोकन वाले को नहीं दिया क्यों क्योंकि वो उन शीट्स में उलझ जाएंगे भाई उनको वो वो कैब यूज करना है जो डेली यूज के हैं आपको वो वो कैब रखना है जो एग्जाम में आते हैं अब आप उसके डिक्शनरी देखोगे वो आपके वो कब देखेंगे तो वो टाइम वेस्टेज है इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं अदरवाइज उनको दे चुकी हूँ ठीक है सत्तर पेजेस दिया भी पूरा नहीं दिया हाँ सम वगैरह नहीं धर्मेंद्र यहाँ तो नोट्स की बुक असेंबल करवा कर देना अरे यार मैं क्या क्या करवा दू एक ही ठीक है ठीक है इसमें इसमें, इसमें कहाँ से करोगे किसमें अच्छा हम सोचे इसमें बोल रहे हो हाँ उसमें हो, सारा हो गया सारा स्टोरी ना हाँ क्या बचा हुआ अच्छा ये दोनों हाँ? ये दोनों तुम करोगे कंपल्सरी इंग्लिश में लेकिन अभी क्यों करोगे जीरो अभी नहीं। अभी नहीं, हाँ। कर अब आओ नेक्स्ट देखो कैटस्ट्रॉफ पहले तो कैटास्ट्रोफ का मीनिंग समझ ली क्या होता है देखो जरा कैटास्ट्रोफ का मीनिंग क्या है हाँ राहुल ओरिजिनल ही होना चाहिए उसमें क्यूआर कोड खाली काम कर रहा है कि नहीं देख लेना सुनो क्या सौरभ कौन क्या मैंने बोल दिया ऐसा दुर्गा पूजा मतलब बेटा मैं जानते हो मैं खाली एक सप्ताह गायब रहती हूँ जब मेरे फादर की बरसी होती है एक तारीख को ठीक है मेरे फादर की बरसी होती है एक तारीख को तो उस समय मैं एक सप्ताह के लिए गायब रहती हूँ यानी कि याद रखना आप लोग का भी बैच उसी समय फंस रहा है एक सप्ताह के लिए फर्स्ट नवंबर को मेरे फादर की बरसी होती है जिस समय मैं जाती हूँ गिरिडीह और क्योंकि इस बार तो कुछ नहीं हो सकता ज़्यादा लेकिन इस बार खाली हम लोग पूजा वगैरह कराएंगे अदरवाइज हर साल काफ़ी कुछ होता है कैटेड का बहुत सारा ऑपरेशन अराउंड मोर देन थ्री हंड्रेड का ऑपरेशन होता है फिर डायलिसिस होता है ठीक है फिर वहाँ पे हम बच्चों का सेमिनार लेते हैं उसके बाद कुछ वहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है किसी भी क्षेत्र में तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए उसको कुछ अवॉर्ड करते हैं ये सब इस साल नहीं हो पाएगा इस साल लेकिन फिर भी मुझे जाना है और ट्वेंटी को मैं निकलूंगी ठीक है ट्वेंटी नाइन को निकलूंगी और तीन तारीख को वापस आऊंगी मैं तो आपका बैच एक सप्ताह फंसेगा हालांकि बीच में संडे भी है एक सप्ताह फंसेगा इसीलिए दशहरा के समय में शायद मैं आपका क्लास लूंगी क्योंकि दशहरा पड़ रहा है सिर्फ संडे को दशहरा संडे को पड़ रहा है तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं पच्चीस को संडे पड़ रहा है तो जैसे अश्वी नवमी वगैरह का छुट्टी होता है यहाँ पे दिल्ली में तो अश्वी नवमी वगैरह को मैं क्लास ले लूंगी ठीक है ना यानी कि दशहरा की छुट्टी को मैं आगे कंपनसेट करूंगी अब देखो ध्यान से क्यातस्ट्रोफ। क्यातस्ट्रोफ का मतलब होता है बेटा कंप्लीट फेलियर सॉरी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पूर्ण रूप से सर्वनाश यानी कंप्लीट वर्ड कैटेस्ट्रॉफ के अंदर ही है कंप्लीट वर्ड कैटास्ट्रोफ के अंदर ही है तो कंप्लीट वर्ड सर्वनाश ये पूर्ण सर्वनाश के अंदर ही है तो टोटल या कंप्लीट गलत है ना फिर तो है ना क्लियर नाउ नेक्स्ट आप शॉक या सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही आता है कोई आपको uh, बता के नहीं आता सरप्राइज और शॉक का मतलब तो हमेशा कोई अच्छा तो हो नहीं सकता शॉक मतलब होता है जो धक्का लगता है है ना अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज के साथ नहीं आएगा ठीक है क्लियर नेक्स्ट आप स्मॉल आयोटा एंड स्पेक इज आयोटा एंड स्पेक और स्मॉल सुपर क्यों होगा वट इज द मीनिंग ऑफ आयोटा एंड स्मेक स्पेक और इसके साथ ये सुपर फ्लोअस क्यों होगा स्पेक का देखो मतलब और आयोटा का मतलब देखो आयोटा एंड स्पेक का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी आयोटा का मतलब इतना सा बहुत थोड़ा सा इतना सा समीर इट इज डबल एट सिक्स जीरो डबल थ्री ट्रिपल जीरो थ्री डबल एट सिक्स जीरो डबल थ्री ट्रिपल ठीक है कैटेस्ट्रॉफ का मतलब बेटा नाउन ही है वो आयोटा बहुत थोड़ा सा स्पेक मतलब बहुत छोटा सा आयोटा मतलब बहुत थोड़ा सा और स्पेक का मतलब बहुत छोटा सा अब एक बात बताओ वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी वेरी स्मॉल इन साइज तो मुझे एक बात बताओ जब वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी है एंड वेरी स्मॉल इन साइज है तो स्मॉल वर्ड तो सुपरफ्लोअ होगा ही फिर इसके साथ है ना इसके साथ तो फिर सुपरफ्लोअ स्मॉल वर्ड होगा ही अब आओ नेक्स्ट सडन इंपल्स पहले हमें इंपल्स का मीनिंग तो पता चले चलो इंपल्स का मीनिंग देखो पहले देखो क्या इंपल्स का मीनिंग इंपल्स का मीनिंग है सडन स्ट्रॉन्ग डिजायर अचानक जो तीव्र एक डिजायर पैदा होता है दिल में ना उसको कहते हैं इंपल्स है ना स्ट्रॉन्ग डिजायर जो दिल में पैदा होता है यानी आवेश जिसको कहते हैं इम्पल्स का मीनिंग होता है आवेश है ना अगर आवेश का मतलब हो गया अचानक सडन और स्ट्रोंग सडन तो सडन वर्ड इंपल्स के साथ तो सुपरफ्लूस होना ही चाहिए देखो तो जरा यस इंपल्स के साथ सडन का मतलब तो सुपरफ्लोअ होना ही चाहिए स्टिल रिमेन मैं कहूंगी इट स्टिल रिमेन्स अ प्रॉब्लम इट स्टिल रिमेन्स मिस्ट्री स्टिल रिमेन रिमेन का मतलब होता है अभी भी रहना रिमेन मतलब रहना यानी स्टिल का मतलब भी तो हुआ वही तो स्टिल रिमेन जो है ना वो बहुत नॉर्मल साफ सुपरफ्लोअस है जनरली ऐसे ही लोग बोलते हैं इट स्टिल रिमेन रिमेन्स मिस्ट्री भाई इट रिमेन्स मिस्ट्री बोलो ना चाहे इट इज स्टिल अ मिस्ट्री कहो क्या कहा इट इज स्टिल अ मिस्ट्री चाहे इट रिमेन्स मिस्ट्री स्टिल और रिमेन्स है ना ये दोनों एक साथ गलत हो जाएगा परसिस्ट का मतलब ये होता है बेटा टिके रहना बने रहना है ना तो ये यहां पे रखना यह स्टिल के साथ रिमेन या स्टिल के साथ परसिस्ट परसिस्ट का मतलब क्या है देखो मैं सेम पेज में मीनिंग कर दूंगी परसिस्ट का मतलब कंटिन्यू टू डू स्टिल परसिस्टेड डूइंग इट गलत है He persisted doing it. इसका मतलब इंसिस्ट करना जोर देना उसको करते रहना ठीक है इंपल्स का मतलब नहीं, नहीं मतलब केयरलेस होता है इंपल्स का मतलब केयरलेस नहीं होता है. इंपल्स तो हुआ आवेश में जैसे आवेश में आके किसी की हत्या किसी ने कर दी ठीक है वो इंपल्स हुआ अब आओ नेक्स्ट देखो नहीं नहीं है ये haven है. Heaven नहीं है, haven है. What is haven? Haven है? ये देखो देखो पहले क्या तो, जर जैसे कहते हैं सिंगापुर है ना इज अ टैक्स हेवन यानी कि वहां टैक्स आप आराम से स्विट्जरलैंड स्विस बैंक स्विस बैंक टैक्स हेवन यानी स्विस बैंक में आप पैसा अपना जमा कर दो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है वो डेंजर से बचा रहेगा यानी सरकार को कुछ मालूम नहीं होगा है ना क्योंकि क्या है स्विट्जरलैंड की सरकार कहती है भाई हमारे पास जो इतने पैसे जमा है इंडिया के उससे हमारा इकोनॉमी बूस्ट होता है हम क्यों बताएं तुम्हारे सरकार को कि तुमने चुरा के यहां पैसे रखे तो वो सेफ हेवन नहीं है वो टैक्स हेवन है सेफ प्लेस है इसलिए हेवन का मतलब तो सेफ प्लेस होता है तो हेवन के साथ फिर सेफ वर्ड तो सुपरफ्लोज हो ही गया ना देखो ठीक है अगर मैं कहूं द रीजन वाई आई डिड नॉट कम वॉस रीजन वाई हो गया क्यों मैं नहीं आई अब आगे बताऊंगी मैं तो मैं, मुझे कहना चाहिए बिकॉज बिकॉज नहीं द रीजन वाई आई डिड नॉट कम वॉज दैट आई वॉज नॉट वेल रीजन ये था दैट रीजन द रीजन वाई का मतलब क्यों की बिकॉज का मतलब ही तो क्यों की है दोनों क्यों की मिलकर सुपर फ्लोज नहीं हो गया खुद सोचो ठीक है अगर मैं कहूं इट इज राउंड इन शेप इट इज ओवल इन शेप इट इज ट्राइंगुलर इन शेप भाई ट्राइंगुलर ओवल परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर ये सब शेप ही तो बता रहा है आपको तो उसके साथ इन शेप क्यों कहोगे है ना कभी भी कोई चीज पहले से होता है ना तो प्री होता है इसलिए रिकॉर्डेड के साथ प्री वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे एक छोटी सी गलती है कि यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड बाहर होना चाहिए था प्री ब्रैकेट में होना चाहिए था क्यों अगर मैं कहूं द स्टेटमेंट वॉज प्री रिकॉर्डेड बोलोगे भाई स्टेटमेंट वॉज प्री रिकॉर्डेड क्या होता है रिकॉर्डेड का मतलब होता है पहले से रिकॉर्ड हुआ पड़ा तो प्री रिकॉर्डेड क्या होता है ठीक है एंड ट्विंस दे आर ट्विंस अगर मैं कहूं दे आर ट्विन ब्रदर्स भाई ट्विन नाउन है एडजेक्टिव के रूप में ब्रदर्स के पहले नहीं आ सकता फिर कहोगे मैम अगर मैं कहूं कि भाई है जुड़वा भाई है भाई कैसे बोलूं नहीं बोल पाऊंगी फिर तो जरूरी थोड़ी है कि मैं हर चीज को इंग्लिश में एकदम उतने ही सेंटेंस में बोल पाऊं तो फिर मुझे उसका नाम लेना पड़ेगा नाम से आप खुद पता लगाओ कि राम एंड मोहन आ ट्विंस आप समझ जाओगे दोनों भाई है, है ना ही एंड शी आ ट्विंस इसका मतलब एक भाई एक बहन है लाइट गई यहां पे हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रिफ्रेश करके फिर से आ जाना ठीक है चलो नेक्स्ट पेज देखो अब मीनिंग सब एडेड है बेटा बस खाली सेम पेज में ऐड नहीं है तो मैं सेम पेज में ऐड कर दूंगी बेटा हाँ बोलो नहीं पुराना कंटेंट नहीं हटाने तो बाबू, क्योंकि पुराना हाँ उसको हटा देगा ना तो फिर इसका थोड़ा सा स्टेक गलत हो जाएगा, कि शायद इसका मत वो देखो अपने आप धीरे धीरे हटाएगा ही, ठीक है हाँ हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं खाली उसका नाम चेंज कर दे बस है हाँ, ना वो होना तो चाहिए हम्म वही रहेगा हम नहीं रहेंगे हाँ ठीक है ओके देख लिया बेटा यहाँ पर तो बहुत गंदे से गर्मी हो गई देख लिया चलो यार यहां पर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बहुत अजीब सी गर्मी हो गई एक सेकंड रुक जाओ

नेक्स्ट आओ म्यूचुअल फ्रेंड ये तो आपका है ना फेसबुक ने सारा गड़बड़ करके कर रख दिया है ना बेटा फ्रेंडशिप हमेशा म्यूचुअल ही होता है हाँ अगर आप कहोगे कि फ्रेंडशिप म्यूचुअल ही होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अगर वो आपका भी दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है तो वो म्यूचुअल फ्रेंड है अकॉर्डिंग टू फेसबुक लेकिन आप खुद सोचो जब मैथ्स में हम लोग करते हैं कि इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है तो कहते हैं एक्स को कॉमन निकाल दो है ना एक्स को कॉमन निकाल दो तो भाई ये कॉमन फ्रेंड होगा ना म्यूचुअल फ्रेंड जैसा कुछ होता ही नहीं है तुरंत सुबह गर्मी हो जाती है भाई ठीक है नेक्स्ट आओ इस वर्ड में क्या है पिन नंबर भाई यहां परमानेंट जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो नंबर के लिए एन है तो पिन नंबर नहीं होता क्यों क्योंकि पिन में नंबर समाया हुआ है एच में भी वी स्टैंड फॉर वायरस एटीएम में भी एम स्टैंड फॉर मशीन ईवीएम में भी ई एम स्टैंड फॉर मशीन इसलिए नहीं कहते ईवीएम मशीन टैंपर कर रहे हैं ये सरकार द गवर्नमेंट इस टैंपरिंग विदीएम मशीन रॉन्ग है

My she is है ना? लेकिन स्पोकन में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है स्पोकन में स्पोकन इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश मीडियम वाले भी जो मिस्टेक करते हैं ना बेटा क्वेश्चन वहीं से तो आता है ठीक है नेक्स्ट आओ इस तरह के जो अडेज क्लीश ट्रेडिशन प्रोवर्ब ये सब जो वर्ड है अभी क्या मैंने कहा था ट्रेडिशन जो बहुत पुराना हो गया वो ट्रेडिशन होता है है ना बहुत पुरानी जो प्रथाएं होती है वो ट्रेडिशन होती है तो ट्रेडिशन अच्छा प्रोवर्ब साउंड बंद करना ठीक है आ, मखन के साथ चलो नेक्स्ट आओ अरे और क्लिश अब आओ पहले इसका मीनिंग देखो बेटा देखो क्लेश प्लेटिट्यूड और अड्ज दोनों तीनों का मीनिंग देखो

फ्रेस यूज फॉर सो लॉन्ग दैट इट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, है? इसीलिए ये सब चीजें इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब तो घिसा पीठा सा लगने लगा है इसीलिए यहां पर ओल्ड या ओवर यूज जैसे वर्ड लगा दोगे ना तो वो घिसा पीठा मैंने कहा ना प्लेटिट्यूड और क्लिश का मतलब होता है घिसी पीठी कहावत तो घिसी पीटी कहावत के साथ ओवर यूज वर्ड लगा दोगे तो क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता वोस्टालिया नोस्टालिया का मीनिंग देखो देखो जब आप प्लेजर और सैडनेस है ना दोनों महसूस करते हो क्यों क्योंकि आप पुरानी कुछ बातें याद कर रहे हो आप अगर पुरानी बात याद करके आपको खुशी भी लगती है चेहरे पे मुस्कान भी आ जाता है, है ना लेकिन उसके बाद लगता है हाय इतना अच्छा समय था मेरा वो सब खत्म हो गया तो क्या फीलिंग आती है फिर थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं वही फीलिंग है सैडनेस like दोनों जो आता है उसको नोस्टेल्जिया कहते हैं जिसको स्मृति कहोगे है ना हिंदी में देखो इसीलिए पास्ट वर्ड नोस्टेल्जिया के साथ क्या है सुपर है ठीक है प्लीज मीट

ठीक है ना तो ओरिजिनल नेटिव नहीं होता आई एम नेटिव दिस इज माई नेटिव टाउन आई एम नेटिव टू दिस प्लेस इसका मतलब यहाँ के मूल निवासी हूं मैं उसी तरह से लोकल रेसिडेंट गलत वर्ड है क्योंकि रेसिडेंट का मतलब ये होता है जो तो वहां पे रिसाइड करता है तो रिसाइड करने वाले वहां के लोकल ही तो होंगे और रेट्रो रेट्रो पास्ट होता है बेटा रेट्रोस्पेक्ट होता है पुरानी चीजों को सोचना इंस्पेक्ट होता है अंदर रेट्रो होता है पुराना को इंस्पेक्ट करना तो रेट्रोस्पेक्ट जो है ना उसके साथ पास्ट वर्ड नहीं आएगा इसीलिए यहां तक देख लो ठीक है बस आज इतना ही रहने दो बेटा आज इतना ही रहने दो क्योंकि ऐसे भी अभी अब आप लोग यहां तक प्रिपेयर करो और एक एक चैप्टर करते चले जाओ We will meet in the next class. you. हम लोग का अब बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है लेकिन इसके बाद आ, मैं थोड़ा सा आप लोग को अच्छा एक काम करना आ, चलो कोई नहीं छोड़ दो देखो इसके बाद आ जाओ फोर्थ नंबर पेज तक हो गया था ये पूरा हो चुका था हो गया था फिर हम लोग फिफ्थ नंबर पेज में आते हैं देखो फोर्टी टू नंबर फीट और ब्रेक थ्रू का मतलब क्या मैंने सेम पेज पे कर दिया ठीक है ब्रेक थ्रू का मतलब होता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट इं सक्सेस यानी कि एक बहुत बड़ा जब सक्सेस मिलता है यानी कोई चीज को ब्रेक करके हमें पता चलता है कोई जानकारी मिलती है है ना जैसे मान लो वैक्सीनेशन जो तो पहली बार वैक्सीनेशन के बारे में पता चला तो इट वॉज ए ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ डिजीज अगर मान लो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन बनाने का अगर वैक्सीनेशन का ही पता नहीं होता तो क्या बना लिए होते तुम लोग समझ में आ गया इसका मतलब है कि वो एक बहुत मेजर जीत था अब जब मेजर या बिग जीत जो होती है उसी को हम फीट कहते हैं उसी को हम ब्रेक थ्रू कहते हैं तो फिर उसके साथ फिर से मेजर या बिग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता देखो वट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्ट इंटर मतलब अंदर और इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना आत्मनिरीक्षण करना होता है इंट्रोस्पेक्ट तो फिर मैं थोड़ी कहूंगी कि इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ आई विल इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ मैं सीधा ही कहूंगी आई विल इंट्रोस्पेक्ट मतलब मैं खुद में अपना आकलन करूंगी निरीक्षण करूंगी मेरे से कहा गलती हुई जैसे कि हमेशा जब भी पार्टी कोई हारती है तो दे स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग है ना वो इट सेल्फ नहीं बोलेंगे बिग ब्लंडर गलत है ब्लंडर मिस्टेक भी गलत है ब्लंडर का मतलब ही होता है क्या ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक इसलिए बिग और मिस्टेक मिलके ब्लंडर बना है तो ब्लंडर के साथ बिग और ब्लंडर के साथ मिस्टेक दोनों सुपर हो जाएगा ठीक है देखो क्लियर नेक्स्ट आओ लाग बिहाइंड अगर मैं कहूंगी क्लास में तुम तो पीछे रह गए होते हैं, दिन के आप इतने दिन से आप एपसेंट थे आप तो पीछे रह गए तो मैं कहूंगी यू आर लागिंग बिहाइंड भाई लागिंग का मतलब ही है पीछे रह जाना फिर बिहाइंड का मतलब क्या होगा लाग का मतलब ही होता है जब पीछे रह जाता है कोई तो उसको लाग कहते हैं यानी वर्ब के रूप में मुझे सीधा कहना चाहिए यू आर लागिंग है ना और ये जो कंसेप्ट है ना फ्री गिफ्ट का इसलिए आ गया क्योंकि सारे डब्बे में लिखा रहता है फ्री 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 गिफ्ट गिफ्ट अरे भाई नहीं होता इस डब्बे के साथ मिल रहा है आपको क्या एक गिफ्ट मिल रहा है तो कहेंगे भाई इस डब्बे के साथ फ्री मिल रहा है कोई चीज मिल रहा है क्योंकि अगर मैं कहूं इस डब्बे के साथ ये गिफ्ट मिल रहा है तो वो तो गिफ्ट तो ऑफकोर्स फ्री होता ही है क्या कभी ऐसा होता है किसी के लिए आप गिफ्ट लेके जाओ और उसे दस रुपए ले लो नहीं ना क्लियर आत्मनिरीक्षण बेटा ठीक है क्लियर नेक्स्ट आओ शॉक सडन सरप्राइज बोलोगे भाई सरप्राइज तो सडन ही होता है है ना तो सडन शॉक भी कुछ नहीं होगा क्योंकि शॉक भी तो सडन ही आता है लेकिन कहते हैं प्लेजेंट सरप्राइज चलता है क्योंकि कई बार सरप्राइज आपको खुश कर देता है लेकिन शौक कभी भी खुश नहीं करेगा शौक हमेशा एक धक्का के रूप में आता है लाइफ में इसीलिए शौक के साथ अनप्लेजेंट वर्ड गलत होगा अनप्लेजेंट शॉक जो वर्ड है वो गलत है देखो कई बार हम कहते हैं ही इज वेरी बोल्ड ठीक है ही इज वेरी स्ट्रांग हेडेड ये भी चलेगा है ना स्ट्रोंग बॉडी में भी होते हैं हम और स्ट्रांग हम दिमाग से भी होते हैं लेकिन स्ट्रोंग हेडेड चलेगा बोल्ड तो हमेशा दिमाग से ही होते हो आप अपनी मजबूती से अपने आप में जो आपके एक शक्ति होती है मेंटल स्ट्रेंथ उसको बोल्डनेस कहते हैं है ना जिसके कारण आप थोड़ा सा स्ट्रांगली अपने आप को पेश करते हो बोल्ड हेडेड कुछ वर्ड नहीं हो सकता देखो बोल्ड हेडेड जैसा कोई वर्ड नहीं हो सकता ठीक है सौरभ क्या करोगे बेटा तुम स्पोकन डिक्शनरी का स्पोकन डिक्शनरी आपको और कंफ्यूज कर देगा कि ये याद करना है फिर आप वही वह याद करने लगोगे आप लोग अपना ट्वेंटी शीट याद करो टेन हो चुका है इसमें भी देख रहे हो बहुत सारी वो दिया है, भाई, जो होता है, वही होता है। हर डेट पे जो होता है, वो है ना वो ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्डर्स होते हैं फाइनल जजमेंट होता है ठीक है इसलिए याद रखना कि जजमेंट के साथ कंक्लूजन के साथ या नतीजा आउटकम के साथ कभी भी निष्कर्ष या जजमेंट के साथ हम फाइनल वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि हमेशा निष्कर्ष जो निकालते हो जो नतीजा निकलता है या जो जजमेंट जज पास करता है वो फाइनल होता है देखो स्टेनो के लिए बेटा इंग्लिश जितना पढ़ा दिया एकदम सफिशियंट है ठीक है सौ में निन्यानवे हो जाना चाहिए आपसे कुलदीप जिस लेवल का पढ़ा दे रही ठीक है अब आओ नेक्स्ट वैसे क्या कई बार कहते हैं कि भाई इसका एंड रिजल्ट क्या है भाई उसका जो एंड होता है वही तो रिजल्ट है जो उसका एंड है वही तो कंक्लूजन है जो उसका एंड है वही तो आउटकम है उसके साथ एंड रिजल्ट क्या होता है है ना ध्यान रखना कुछ भी नहीं होता 14 को CHSL है वेरी गुड सचिन ऑल द बेस्ट बहुत अच्छे से तैयारी करो और अब तो खाली जानते हो एक आध दिन बचा है बस खाली आप लैपटॉप ले लो और उसी में लगे रहो ठीक है क्योंकि अब आपको हाथ जितना तेजी से चलेगा क्वेश्चन पेपर पे उतना ही तेजी करके आओगे अब बुक और पेपर में कुछ मत करना दो दिन सिर्फ लैपटॉप पे ठीक है नेक्स्ट आओ एंड मतलब मतलब उखाड़ देना।, मतलब देना तो कंप्लीटली क्या होगा एबॉलिश भी जैसे कहते हैं सती प्रथा एबॉलिष्ट, भाई एबॉलिष्ट तो उसका मतलब उन्मूलन होना कि एकदम पूरी तरह से खत्म कर देना यानी मतलब यह होता है बेटा जड़ से खत्म करना वेटेज बेटा अजीत वेटेज का स्पेलिंग देखो तुम क्या लिख रहे हो ब्रेक थ्रू नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस फीड का मतलब भी लिख दिया है ठीक है नेक्स्ट आप ड्रॉप डाउन कहते हैं कोई चीज ड्रॉप करोगे तो नीचे ही तो गिरेगा ड्रॉप डाउन क्या होता है है ना कहते नहीं मोबाइल में तो सुनते हैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन भाई वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर्स की बात आप कर रहे हो उसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के हैं जिसको यूज किया गया है क्योंकि ये सारी चीजें बाद में आई तो इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए जो इंग्लिश के हैं अब जैसे आर्काइव बोलोगे तो आर्काइव होता है प्लेस फर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर कैप्ट सरकारी होते हैं वो है ना जहां सरकारी दस्तावेज ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं आपके मोबाइल में आर्काइव वो होता है जहां पे आप लड़कियों के फोटो जमा किए रहते हो है ना तो फिर समझ में आया इसीलिए मोबाइल या कंप्यूटर वाले वर्ड्स का हम एग्जाम्पल नहीं सुनेंगे अर्लियर और लेटर अर्लियर मतलब पहले लेटर मतलब बाद में तो फिर इन टाइम क्या है भाई टाइम सही तो रिलेटेड है अर्लियर एंड लेटर देखो ध्यान से कोई प्रॉब्लम बताओ यस yes. अच्छा आज एबॉलिश आया है सी में वेरी गुड विक्रांत आज हमको लगता है जो वो हमको अभी तक मिले हैं एक तो ग्रुप मैंने शेयर किया है केडी डिस्कशन ग्रुप कम से कम उसमें आप लोग जितने भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं प्लीज दे दो ठीक है ठीक है प्लीज के डी डिस्कशन ग्रुप एक हमने फेसबुक में वो लिंक शेयर किया है के डी डिस्कशन ग्रुप का टेलीग्राम का जिसमें मैंने कहा है प्लीज सबको अपने क्वेश्चन दे दो तो अगर आप लोग क्वेश्चन दे दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा ठीक है उसमें कम से कम क्वेश्चन दे दो ऑडिबल एंड विजिबल नहीं हो अनवर क्या बोल रहे हो बेटा मैं ऑडिबल एंड विजिबल दोनों नहीं हूं क्लियर रेड लाइन बिटवीन स्कोप फोर का क्या मीन होता है सिफाली प्लीज क्वेश्चन दे दो हो गया रिटर्न बैक सुपरफ्लो से बेटा अनवर यहां से किसी का नहीं बंद हुआ है सबका चल रहा है विक्रांत प्लीज बेटा वो ग्रुप ज्वाइन करके उसमें दे दो आज रात में हमको वो करना है ठीक है आज रात में डिस्कस करना है नेक्स्ट आओ सर्कुलेट सर्कुलेट का मतलब होता है चारों तरफ फैल जाना सर्कुलेट है ना

उसका लिंक तो टेलीग्राम उसका लिंक कहां शेयर करूं और मैं काफी है विभाग जितना मैंने करा दिया ना काफी है ठीक है देखो अली क्या आया था पीओ में विभाग

जब आपकी मशीन अपने आप काम करती है तो ऑटोमैटिक होती है बायो का मतलब होता है जीवनी ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग आप जब स्वयं की जीवनी राइटिंग पूरा इसी में है तो फिर ओन क्यों लगेगा स्वयं यानी कि ओन ऑटो और ओन दोनों मिलकर देखो सुपरफ्लोस नहीं हो जाएगा वहां विक्रांत आपका 50 में 50 आ जाएगा कम से कम क्वेश्चन शेयर कर दो भाई नेक्स्ट आओ ब्रीफ मोमेंट बेटा मोमेंट हमेशा क्षणिक होता है थोड़ा सा होता है मोमेंट का मतलब क्षण समरी का मतलब छोटा करना छोटा करके लिखते हो तो समरी लिखते हो तो समरी और मोमेंट के साथ ब्रीफ थोड़ी आएगा कहते हैं एक क्वेश्चन आया है बार्गेनिंग विथ शॉपकीपर्स इज हर स्पेशल एक्सपर्टीज बेटा एक्सपर्टीज वो होता है जिसमें आप एक्सपर्ट होते हो वो आपकी स्पेशल क्वालिटी होती है तो एक्सपर्टीज के साथ स्पेशल वर्ड सुपरफ्लूस हो जाएगा फैक्ट्स का मतलब क्या होता है फैक्ट समझते ही वो तथ्य अब जो facts होते हैं, तो रियल ही होते हैं, actual ही होते ही हैं उसका कुछ नहीं कर सकते है ना तो इसका मतलब उसके साथ real या actual word तो नहीं होना चाहिए देखो देखो का का मतलब देखो, proximity और intimacy का मतलब और है क्लोजनेस नजदीकी तो उसके साथ नियर हो या क्लोज हो ऐसा कोई शब्द लगाओगे तो गलत हो जाएगा है ना रेप्लिका का मीनिंग देखो नीचे क्या लिखा हुआ है रेप्लिका का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी रेप्लिका का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी और फैक्ट सिमिली भी याद रखना कि जब फैक्ट सिमिलर हो तो वो फैक्ट सिमिली कहलाता है जब फैक्ट सिमिलर हो तो फैक्ट सिमिली कहलाता है ठीक है फैक्सिमिली होता है अब आ जाओ एग्जैक्ट वर्ड जो है ना वो रेप्लिका के साथ फैक्सिमिली के साथ नहीं आएगा क्यों क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी ही तो होता है रेप्लिका जैसे कहते हैं जेरोक्स कॉपी है ना मर्ज जब भी कोई चीज मर्ज करते हैं तो उसको टुगेदर बनाते हैं टुगेदर करते हैं है ना तो दो बैचेस विल बी मर्ज टुगेदर गलत हो गया टुगेदर हटा दो एक्सीड योर एसे मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन टू वर्ड्स गलत हो गया एस ए मस्ट नॉट एक्सीड टू फिफ्टी वर्ड चलेगा योर एस ए मस्ट नॉट बी मोर देन ऑफ टू फिफ्टी वर्ड ठीक है fact -similar होते हैं तो ठीक है देख लो मॉब जो होता है ना बेटा मोब का मतलब होता है एंग्री क्राउड एंग्री क्राउड उग्र भीड़ को हम मोब कहते हैं अब एंग्री लगा दो क्राउड के साथ तब तो चलेगा लेकिन एंग्री क्राउड इज इक्वल टू मॉब अगर मॉब के साथ एंग्री लगा दोगे तो सुपर सुपरफ्लूस हो जाएगा ठीक है अब इस पेज को जरा देखो पहले इसको देखना पड़ेगा आपको फिर समझाऊंगी और ये सब मीनिंग सारा हम सेम पेज में कर दिया है नया वाले में तो हम इसको डिलीट मार के फिर से नया वाला आप लोग को लोड करवा देंगे ठीक है हाल क्यों भाई कुलदीप प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा विशाल पहले मुझे सीएचएसएल का क्वेश्चन तो बताओगे क्या या तभी तो बताएंगे क्या हुआ आपसे क्योंकि तो मुझे आप क्वेश्चन बताओगे ही नहीं तो मैं कहां से करा पाऊंगी हो गया देखो ध्यान से मोर एंड मोस्ट कैन नॉट कम विद किन के किन के साथ मोर और मोस्ट नहीं आ सकता और क्यों नहीं आ सकता भाई ये आप में भी पढ़ोगे है ना विक्रांत इतना पढ़ा देती हूं ना यार कि आना तो चाहिए ही पूजा कल मैं तो बहुत थक गई थी यार संडे को मैं जानते हो मुझे एकदम दुखी हो गई मैं अपनी लाइफ से संडे को क्वेश्चन पेपर अब संडे को टीयर थ्री भी हो गया मैं कहां तक कराऊ बताओ चलो मैं देखती हूँ तुम्हारा मैं वीक, वीक के किसी दिन में कराऊंगी पहले तो और मैं एक सप्ताह तो गायब रहूंगी ठीक है चलो ध्यान से सुनो मोर एंड मोस्ट के नॉट कम के साथ मोर एंड मोस्ट नहीं आ सकता वो सबसे पहले ध्यान से एवर लास्टिंग इसका मतलब हमेशा के लिए कहते हैं कि डायमंडोर एवर बोलोगे फॉर एवर के साथ मोर लगा दे कैसे लगा दोगे लास्टिंग एटर्नल फॉर एवर है ना ये तीनों के साथ नहीं आ सकता मोर yeah, मोस्ट क्यों क्योंकि मोर मोस्ट का मतलब वही होता है जो आप ज्यादा अगर मैं कहूं एवरलास्टिंग का मतलब क्या है तो आएगा एवरलास्टिंग का मतलब है जो हमेशा के लिए रह जाए तो फिर मोर एवरलास्टिंग क्या होगा कुछ नहीं हो सकता क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में गुड डीड्स आर मोर डैश गुड डीड्स आर मोर डैश ब्रैकेट में था लास्टिंग मतलब ऑप्शन में था लास्टिंग एवर लास्टिंग दो ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहे थे अब जब मोर लगा दिया ना तो एवर लास्टिंग नहीं हो सकता फिर तो लास्टिंग होगा यानी कि अच्छे जो कर्म होते हैं वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं ज्यादा हमेशा के लिए टिकाऊ थोड़ी बोल सकते हो देखो अभी रुक जा तो आपको सिक्सटी टेस्ट पेपर्स मिला ही नहीं आप सिक्सटी टेस्ट पेपर्स वाला भी ऑप्शन चाहो तो ले सकते हो लेकिन वो भी आप लोग नहीं ले रहे हो मेन्स का प्री का सबका टेस्ट पेपर है मेन्स और प्री दोनों का टेस्ट पेपर पड़ा हुआ है वहां पे ठीक है प्री फिफ्टी टेस्ट है मेन्स दो हजार अठारह पूरा दो हजार सत्रह पूरा दो हजार सोलह पूरा तुम लोग ले ही नहीं रहे हो मैं क्या करूँ ठीक है मैं बोल भी नहीं सकती हूँ मेरे तो स्टाफ कहते हैं कि मैम इस बैच को बोलिए मेन्स का टेस्ट पेपर ले ले कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा से मैंने कहा अगर मैं बोलूंगा तो बच्चों को लगेगा कि जैसे अपना माल बेच रही है इसे मैं क्या बोलूंगा चलो नेक्स्ट आप हो गया एवर लास्टिंग फॉर एवर एटर्नल कहीं होना चाहिए यस लो एटर्नल भी है तो एवरलास्टिंग फॉर एवर एंड एटर्नल तीनों का मतलब होता है हमेशा के लिए यूनिवर्सल सार्वभौमिक यूबिक्विटस भी सार्वभौमिक अगर मैं कहूं कि कहूंक्विटस यूनिवर्सल का मतलब क्या है इसका मतलब सब जगह जो मौजूद है अब फिर से मोर और मोस्ट क्या कर दोगे जो सब जगह ऑलरेडी मौजूद है उसके साथ मोर आर मोस्ट कैसे लगा दोगे है ना अगर मैं कहूं यूबिक्विटस प्रॉब्लम करप्शन को कहूं मैं कि करप्शन इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना आप कहोगे नहीं मैम फीमेल फिटिसाइड इज अ मोर यूनिवर्सल प्रॉब्लम कहूंगी ऐसा थोड़ी है मोर यूनिवर्सल थोड़ी हो सकता है ना समझ में आया क्लियर तो इसीलिए यूनिक अब देखो यूनिक का मतलब क्या होता है यूनिक का मतलब होता है वन ऑफ इट्स काइंड मतलब अपने जैसा कोई एक ही हो यूनि मतलब एक होता है तो यूनिक का मतलब हो गया वन ऑफ इट्स काइंड यानी अपने जैसा कोई एक दिस मीन्स मोर यूनिक वर्ड नहीं कह सकते अनवर क्या हुआ सब किसी का नहीं चल रहा है क्या वीडियो नहीं चल रहा एक बार चेक करना सब लोग चल तो रहा है यार अजीत 599 में तो प्री का टेस्ट पेपर है ठीक है मेंस का फिर अलग से लेना पड़ेगा आपको प्री मेंस अलग अलग है नेक्स्ट देखो प्राइम टाइम कहते हैं ना भाई अगर देखते हो हो तो कभी सुने हो? More prime time? नहीं देखे हो. है ना क्योंकि prime का मतलब ठीक है ना ठीक तो चल रहा है सबका चल रहा है बेटा अपना देखो prime का मतलब हो जाता है जैसे अगर मैं कहूं कि प्राइम एज इसका मतलब होता है जो मुख्य एज था ना यानी कि उसकी जो जवानी थी उसने वेस्ट कर दिया यानी प्राइम का मतलब होता है क्या जो मेन पार्ट होता है प्राइम टाइम तब होता है टीवी वालों के लिए जिसमें सबसे ज्यादा लोग खाली रहते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं जैसे नौ बजे के लगभग है ना नौ दस के लगभग ठीक है ट्राइंगुलर अब आओ अगर मैं ट्राइंगुलर की बात करूं बेटा तो ध्यान से सुनना ये ट्राइंगुलर पैरल स्क रेक्टेंगुलर राउंड ये सब एक साथ होगा क्यों क्योंकि ये सारे जितने स्पेस जितने सॉरी जितने भी शेप होते हैं ना उन सबको एक साथ लगा के दिखा सकते हो कि भाई ये सारा जितना शेप है है ना उस सारा शेप को आप चाहो तो एक साथ लगा सकते हो ठीक है क्लियर सारा शेप को एक साथ लगा सकते हो क्लियर अब आओ नेक्स्ट फेटल एंड डेडली ध्यान से सुनना फेटल का मतलब होता है घातक डेडली का मतलब ही जानलेवा हुआ जो जानलेवा है जो घातक है जो आपके जान पे खतरा पैदा करता है बेटा वो डेडली और फेटल होता है जानलेवा अब मोर जानलेवा क्या हो सकता है है ना जो जानलेवा है वो तो फेटल एंड डेडली है जैसे कहेंगे कोरोना कोविड इज अ डेडली डेडली डिजीज तो मोर क्या होगा कितना लोग पूछने लगे हो यार मेरी बात सुनो हमारा एक टेस्ट सीरीज है प्री का प्री का टेस्ट सीरीज जब होता था उस समय हमारे पास व्हाइट बोर्ड था बहुत ज्यादा अच्छा मतलब आपको शायद पसंद नहीं आए लेकिन आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा मैंने सारा बोर्ड में अच्छे से डिस्कस कर दिया है उसके बाद मेंस का टेस्ट सीरीज जो है मेंस के टेस्ट सीरीज में 2018 डिस्कस हो चुका है 2017 डिस्कस हो चुका है 2016 का एक पेपर डिस्कस हो चुका है दूसरे पेपर में हूं मैं अभी अभी ठीक है प्री का अलग से टेस्ट है, है प्री का फिफ्टी टेस्ट है जिसमें थर्टी फाइव टेस्ट तो मैंने डिस्कस किया है पंद्रह अपला ने किया है और इसका मेन्स का सारा टेस्ट पेपर मैंने डिस्कस किया है ये इंटायरली मैंने किया ठीक है ये दोनों एस का है इसमें ये जो है इसमें सी का पांच है और उसके बाद सीजीएल का सारा है और ये तो सीधा सीजीएल का सीजीएल का है ये सीजीएल टीयर टू का पेपर है सारा ठीक है ये चीज है चलो सुनो नेक्स्ट लिथल देखो फेटल डेडली एंड लिथल तीनों सेम है अब आओ ये जो मैंने पैरेलल तो बता दिया कि सारे शेप को एक साथ रख दो माइनर एंड मेजर अगर कोई 18 साल से कम है तो माइनर है 18 साल से ज्यादा है तो मेजर है अब माइनर हो गया ये मेजर हो गया वो अब मोर मेजर क्या होता है बोलोगे भाई मोर मेजर कुछ नहीं हो सकता 18 साल से ऊपर आप साल से भी क्यों नहीं major हो हो मेजर मेजर इससे मोर मोर और माइनर जैसा कुछ नहीं होता हाँ एक चीज और है कहेंगे इट वॉज माइनर इंजरी तो कहोगे मोर माइनर कुछ नहीं होता या तो फेटल एक्सीडेंट था है ना फेटल मतलब एकदम मरने वाला एक्सीडेंट था या माइनर एक्सीडेंट था अब मोर माइनर एंड मोर फेटल जैसा कोई वर्ड नहीं होता देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक जैसे बेटा आपने ये बैच खरीदा वैसे लेना है और क्या क्लियर और ये जानते हो एडजेक्टिव पे भी ये पॉइंट है जिसको वहां पे आप अपने आप फिर देखोगे नेक्स्ट आओ ओवल ओवल भी तो शेप ही है तो मेरा कहना है कि जैसे कि आप इसको ये देख लो जैसे ओवल है स्क्वायर है रेक्टेंगल है राउंड है ना और पैरल ये सारा ट्राइंगुलर ये सारा ऐसा जितना शेप है उन सब शेप को आप दिखा सकते हो कि भाई शेप के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते वो सब है उसी अब ट्राइंगुलर क्या होगा तीन कोण वाला है ना क्लियर अब देखो जैसे मैंने कहा था फाइनल फाइनल का मतलब होता है जो एकदम आखिरी हो ठीक है परफेक्ट परफेक्ट होता है जो एकदम बिल्कुल सही होता है वो परफेक्ट होता है है ना फ्री मैंने कहा फ्री के साथ आप कुछ और मोर ऑफ फ्री और मोस्ट फ्री मत लगा देना है ना आई एम फ्री आई एम मोर फ्री ऑन संडे नहीं होता यार एम टी एम टी का मतलब खाली जो खाली है तो मोर और मोस्ट नहीं हो सकता सुप्रीम पैरामाउंट इसके साथ एक्मी भी कह सकते थे सुप्रीम जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है एक्सेलेंट बहुत अच्छा लिखते हो तो एक्सेलेंट मिलता है है ना तो एक्सेलेंट के साथ कोई भी और कुछ नहीं लगा सकते अल्टीरियर अल्टीरियर का मतलब होता है कोई चीज हिडन हो छिपा हुआ है और कंप्लीट का मतलब पूर्ण मॉटल का मतलब जो कभी ना कभी मरेगा ही ऐसे कंडीशन में मोर और मोस्ट क्या लगाओगे अनिमेश रहेगा भी, उसका टेंशन मतलब सब कुछ एक साल के लिए, लिए पड़ा हुआ है ठीक है देखो जरा कोई प्रॉब्लम तो बताओ क्लियर सो so, ये ध्यान रखना आप लोग कि इसमें जैसे ये यूनिवर्सल और यूविक्विटर्स बेटा सिनोनिम में आता है ठीक है ये ध्यान रखना और जैसे एवरलास्टिंग फॉर एवर और इटर्नल जो है ये एक साथ आता है ये एक दूसरे के सिनोनिम में आया हुआ है अल्टीरियर का मतलब होता है या विक्रांत अल्टीरियर मोटिव नहीं एग्जेमट फ्री नहीं होता यार टू तो मेक फ्री होता है है ना एक सेकेंड रुकना शिफ्ट वन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब शिफ्ट मिला के होगा ये ठीक है चलो नेक्स्ट आओ डू नॉट यूज अगेन विथ बेटा जहां पर भी रीवर्ड आता है ना उसका मतलब अगेन होता है रिपीट अगेन गलत हो गया रिकैपिटुलेट अगेन गलत हो गया क्योंकि का मतलब होता revise exam के पहले आप उसको revision करते हो मतलब फिर से कॉल करना या तो दिमाग में या तो वापस बुलाना रिकॉल है ना रिबॉन यानी कि फिर से पैदा होना यानी यहां पर सब में फिर से बात है बेटा ठीक है रिबिल्ट फिर से बनाना रिवाइज फिर से रिवाइज करना यानी रिकैपिटुलेट का मतलब हुआ ठीक है ठीक है यू भी कुछ